सो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज. ठीक है, सो ये एंसिलरी सर्विसेज क्या होते हैं? देखो, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक होता है आपका, ट्रांसफर ऑफ फंड्स. अगर आप कहीं पे किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना नेफ्ट के थ्रू, ठीक है, और बेसिकली चेक के थ्रू जो भी है, ठीक है. कलेक्शन ऑफ मनी, कलेक्शन ऑफ मनी मतलब आपने किसी ने आपको चेक दिया तो उस बैंक से कलेक्शन ऑफ मनी करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ मनी. मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ, कस्टमर के बिहाफ पे पीरियोडिकल पेमेंट्स करना. पीरियोडिकल पेमेंट्स, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने पेटीएम यूज किया रहेगा या कोई यू नो डिजिटल फॉर्मेट ऑफ पेमेंट्स यूज किया रहेगा. तो अगर आप देखोगे उसमें आपको प्रॉम्प्ट आता है कि डू यू वॉन्ट टू सेटअप पेमेंट्स, मतलब ये समझ लो अगर मैं पेटीएम साइट को यूज करते हुए अपने इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बिल और सताना मेरे घर में जितना भी आता हो उसके एक राउंड ऑफ फिगर में उन लोग ऐसा प्रॉम्प्ट देते हैं, डू यू वॉन्ट टू सेटअप ऑटोमेटिक पेमेंट्स. तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स मतलब क्या होता है कि आप उसी अमाउंट का पेमेंट हर महीने क्या जनरेट करना चाहते हो, हमें ऑथराइज कर रहे हो, ऐसा एक ऑप्शन आपको दिया जाता है. तो यहाँ पे भी बैंक्स आपको क्या देते हैं, मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिकल पेमेंट्स? जैसे समझ लो घर का ईएमआई है, या समझ लो आपका कार का ईएमआई है, किसी पर्सनल लोन का ईएमआई है, वो अमाउंट तो चेंज नहीं होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन. तो डू यू वॉन्ट द बैंक टू मेक पेमेंट्स ऑन योर बिहाफ ऑन दैट सेम डे सो दैट यू डोंट मिस आउट टू पे दैट अमाउंट एंड इनकर एनी लेट फीस और इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द सेम. ठीक है, तो ये होता है मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ. मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग मतलब आप भाई साहब अलग अलग ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे आपके अलग अलग मर्चेंट्स के साथ, या अलग अलग बिजनेस बैंकिंग बेसिकली जो है, ठीक है, दैट इज मर्चेंट बैंकिंग. और फॉरेन एक्सचेंज, इन सब का, ये फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपका समझ लो लेट से किसी दूसरे देश से आपका गुड्स आ रहे हैं, ठीक है. सो अगर दूसरे देश से गुड्स आ रहे हैं या किसी दूसरे देश में, जैसे आप यहाँ पर बैठ कर भी कि कोई फॉरेन कंपनी में बना हुआ सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं लेट से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कोई फॉरेन कंपनी में बना है, ये यूएस में बना है, क्या आप उसको बैठकर परचेस कर सकते हैं? यस. लेकिन जब बनाने वाले ने उसका प्राइस फिक्स किया रहेगा तो डॉलर्स में फिक्स किया रहेगा. जब आप उसको परचेस करेंगे तो आप अपने कार्ड को यूज करते हुए उसको परचेस करेंगे, विच इज बेसिकली कॉन्फिगरेटेड एज पर इंडियन रुपीज. लेकिन जैसे ही आप उसको परचेस करेंगे एग्जैक्ट अमाउंट आपको इंडियन रुपीज में आ जाएगा, ठीक है. तो आप जैसे ही उसको परचेस करेंगे अपने कार्ड को यूज करते हुए या इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हुए, देयर विल बी एन इमीडिएट कन्वर्जन. तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज का एक मामला हो गया, ठीक है, जहां पे आपको भाई साहब अपने मनी को डॉलर में नहीं कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डॉलर में प्राइस है आपको इमीडिएट रुपीज में कन्वर्जन मिल जा रहा है, ठीक है. सो ये आपका एंसिलरी सर्विसेज है. आज की तारीख, एक टाइम था जब ये सारी चीजें आपको बाकायदा बैंक में जाके करनी पड़ती थी और वो थोड़ा सा डिलेड प्रोसेस था, बैंक में इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होता था. लोग बोलते थे कि भाई साहब हम बैंक का काम करने के लिए एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसा होता था. कहीं ईएमआई है, डिपॉजिट है, कहीं भाई साहब आपका क्रेडिट कार्ड का है, कुछ भाई साहब आपका फंड ट्रांसफर है, या कोई कहीं किसी को नेफ्ट करना है, ये सारा कार्यक्रम आप जाकर बैंक में करते थे एक दिन की छुट्टी लेकर, ठीक है. आज की तारीख में बड़े फटाफट बैठे बैठाए ये सब काम हो जाता है, ठीक है. सो वी हैव इवॉल्व्ड अ लॉट इन बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है. ओके, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. सारे कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट ने स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और प्लस पुश भी किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करें, ठीक है. क्यों क्रेडिट क्रिएट करें? ऐसा कोई इंसान या शख्स नहीं होगा जिसको भाई साहब पैसा नहीं चाहिए रहेगा, है ना, ठीक है. अभी हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई साहब ये तो एक ट्रैप हो गया, भाई साहब आपको भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो बोलते रहते हैं और फिर आपने ले लिया और फिर भाई साहब फंस गया. लेकिन बिजनेस पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है. हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग लग्जरी के लिए क्रेडिट ले रहे हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए कम ले रहे हैं. गवर्नमेंट बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है. हर बिजनेसमैन को एटलीस्ट स्टार्टअप फेज में उसको एक भारी अमाउंट ऑफ कैपिटल जरूरत होता है, ठीक है. आज की तारीख में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पीपल आर टेकिंग मोर क्रेडिट कार्ड्स टू डू लैविश एक्सपेंडिचर्स करने के लिए. मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ. मेरा, मैं जब ऑफिस में था तो मेरे साथ एक और टीम थी और वो टीम लीडर हर बार टॉपर था उसके अंदर, मतलब देवर लाइक 15 पीपल वर्किंग अंडर हिम.
ऐसे 8-10 टीम थे, मैं भी एक टीम लीडर था, तो मैंने उससे पूछा तू करता क्या है, जबकि वो कभी भी मेरे को मेहनत करता हुआ नहीं दिखता था, लेकिन हर बार वो टॉप करता था, सारे मैट्रिक्स में उसका परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे था। तो मैंने ऐसे बहुत बार पूछा उससे, बता ही नहीं रहा भाई साहब, गुजराती था वो, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही थोड़ा हल्के में, हम भाई बता देना क्या है, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, तू अपने तरीके से काम कर रहा होगा, मैं अगर कॉपी करने भी जाऊँगा तो शायद सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, जिस पे जो जस्ता है जो बस जैसा है, तुम्हारे काम करने का स्टाइल अलग है मेरा अलग ही। बताता है भाई साहब मैंने अपनी टीम को ऑटो पायलट मोड में लाया है, क्यों, ठीक है। बोलता है कि मेरा एक पहचान का कोई है HDFC बैंक में, वो क्रेडिट कार्ड दिलवाता है लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपनी टीम में किसी मेंबर को ऐसे ही मैंने कमेंट कर दिया, अरे तू क्या जूता पहना है रे, नाइकी का पहन, एडिडास का पहन, अरे सर क्या बोलूँ, चल जाते हैं अपन। तो ऑफिस के बाद उसको भाई साहब शॉपिंग कराने ले जाता है, अरे ये खरीद भाई साहब, बाजू में ही मॉल था, मतलब ऐसे ही लोगों को उठा के शॉपिंग कराता था और क्रेडिट कार्ड दिलवाता था, और क्रेडिट कार्ड में ये सब यंग लोग थे भाई साहब, मस्त 15-20-30 हज़ार की शॉपिंग करके आ जाओ भाई साहब। अभी ये बंदा फंस गया, ठीक है, 30 हज़ार की शॉपिंग करनी है, मतलब अगले महीने 30 तारीख तक इसको एक अच्छा खासा पैसा क्रेडिट कार्ड में जमा करना पड़ेगा, और अगर जमा करना पड़ेगा तो मन लगा के काम करना पड़ेगा, मन लगा के काम करेगा तो इंसेंटिव आएगा, उस इंसेंटिव के पैसे से उस उधारी को वो चुकता करेगा। ऐसे 15 लोगों को उसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड का दिलाकर और ऑटो पायलट मोड में आ गई, ये वैसा बैठा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं और हर बार ये टॉपर हो रहा है। तो मतलब इट्स अ बैड वे ऑफ वर्किंग, बट अल्टीमेटली इट इज रिजल्ट ड्रिवन। इन सब पे, इन 15 लोगों पे उसने क्रेडिट कार्ड चढ़ा दिया। यंग लोग हैं भाई साहब, प्यूमा का टी शर्ट खरीदेंगे भाई साहब, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, ब्रांडेड जीन्स खरीदेंगे, ब्रांडेड जूते खरीदेंगे, 30-35 हज़ार 40 हज़ार का बिल बनाएंगे। इस 30-35-40 हज़ार का जो ट्रैप हो गया उनका, यही ट्रैप आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। इसको चुकता करने के लिए उनको इंसेंटिव कमाना पड़ेगा, सिर्फ सैलरी से बात बनेगी नहीं, क्योंकि सैलरी से और एक्सपेंसेस टेक केयर होते हैं, तो इंसेंटिव कमाना पड़ेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए भाई साहब काम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका टीम ऑटो पायलट मोड में था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा करके देखा जा रहा है कि बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं वो लग्जरी के लिए यूज़ हो रहा है, बिजनेस पर्पसेस के लिए कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। लग्जरी इज़ अ डेट ट्रैप, आप भाई साहब उसमें फंसेंगे। अगर आपकी आमदनी से खर्चा ज़्यादा है तो आप उसमें फंसेंगे, लेकिन आपका बिजनेस पर्पसेस के लिए, दैट्स वॉट गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट। एवरी गवर्नमेंट इज पुशिंग द बैंक्स। आपने देखा रहेगा, एक हाल ही में एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि 3-4 बैंक मिलकर एक बैंक हो जाएंगे, इतने सारे बैंक हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जितने सारे बैंक होंगे उतना सारा भाई साहब गवर्नमेंट का ये बढ़ेगा। गवर्नमेंट चाहता है सेंट्रलाइज्ड हो जितना भी सिस्टम हो, ठीक है। जैसे आपने देखा रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, ये सब मर्ज हो गया है, ठीक है। ये सारे बैंक जो है तो मर्ज हो गए, 3-4 बैंक एक साथ मर्ज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि भाई साहब हम क्लोजली मॉनिटर करें, टीम का साइज डिक्रीज करो और उसको क्लोजली मॉनिटर करो, हाउ मच ऑफ मनी इज एक्चुअली बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट वी मीन एग्जैक्टली बाय क्रेडिट क्रिएशन इज हाउ मच ऑफ फंड्स आर एक्चुअली गोइंग फॉर स्टार्टअप्स, हाउ मच ऑफ फंड्स आर एक्चुअली गोइंग फॉर बिजनेस सेटअप्स। क्योंकि ऑटोमेटिकली जितने भी बिजनेस या स्टार्टअप सेटअप होंगे इंडिया में, उतना ही भाई साहब आपका क्या होगा, गवर्नमेंट का लोड कम होगा, क्योंकि उतने ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। जितने आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्राइम रेट ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या ही कर लेगा गवर्नमेंट भाई साहब, रेलवे में, डिफेंस में, और कौन से सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुए, ठीक है, इन सब सेक्टर्स में ले लेके भाई साहब गवर्नमेंट कितना ही हायर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर्स का ऊपर आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन हैज टू बी डन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, दीज बैंक्स आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। तो डिमांड एंड, तो आपका ये जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, तो बैंक्स सिंपल फंडे में क्या करते हैं, बैंक्स लोग लिक्विडिटी ऑफर्स लाते हैं कि भाई साहब इतना पैसा जमा करो, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। इससे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं, इन डिपॉजिट्स के पैसे को ये लोन में घुमाते हैं। दैट इज हाउ बेसिकली द एंटायर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। और उस लोन से जो, तो लोन जब बैंक देती है तो ऑब्वियसली एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन आपके फिक्स डिपॉजिट पे बैंक थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वही बैंक के लिए कमाई होती है, दैट इज बेसिकली द अर्निंग फॉर द बैंक।
अर्निंग क्या ही बोलेंगे, उससे बैंक अपना भाई साहब एक्सपेंसेस कवर करता है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज टू द पीपल एज वेल एज द बैंक एक्सपेंसेस, और उससे जो बचेगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके, सो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट द बैलेंस अमाउंट इज यूज फॉर गिविंग लोन्स। तो एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है, बैंक को इतना पैसा रखना ही पड़ता है। हर एक बैंक का, रिजर्व बैंक ने ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस में इतना कैश रिजर्व रेशियो आपका होना चाहिए, जिसको हम CRR बोलते हैं, ठीक है। एवरी बैंक हैज टू इंश्योर दैट दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक, ठीक है। उसके बाद जो बचता है दैट इज बेसिकली डिस्पर्स्ड ऑफ एज लोन्स, ठीक है, ये लोन्स में डिस्पर्स होता है। द सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स। तो ये वैसे लोन्स क्रिएट होते हैं और ये डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं। द सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स। तो ये जो लोन्स क्रिएट करती है बैंक, इन लोन्स के अगेंस्ट आता है EMI एंड पेमेंट्स, एंड दोज आर सेपरेट अकाउंट दैट आर क्रिएटेड। इनकम डेरिवेटिव डिपॉजिट, देखिए जब आप अपना कोई अकाउंट है और आप भाई साहब लोन ले रहे हैं बैंक से, तो एक लोन अकाउंट क्रिएट होगा, एक लोन अकाउंट क्रिएट होगा, और उस लोन अकाउंट में आप रेगुलरली पैसा भरते जा रहे हैं एज पर द शेड्यूल। जैसा भी आपका शेड्यूल रहेगा भाई साहब, EMI का शेड्यूल है तो EMI का, वन टर्म पेमेंट है तो वन टाइम पेमेंट का, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो गए, तो ये एक अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। इस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलेंगे, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, ठीक है। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज सेक्टर मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। द मनी मार्केट इन इंडिया इज डाइकोटोमस बाई नेचर, इट कंप्राइज ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डाइकोटोमस हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको लोन चाहिए रहेगा बिजनेस सेटअप के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट के पर्पस को मीटअप करने के लिए, यू अप्रोच अ बैंक। सो इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे दे विल इवैल्यूएट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इंश्योर अ लोन इफ इट इज पॉसिबल एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इफ यू डोंट क्वालिफाई फॉर द लोन यू विल नॉट गेट द लोन, इफ यू गेट द लोन इट विल बी हैविंग अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज टू बेसिकली क्लियर ऑफ द लोन, ठीक है। इस पे आपको भाई साहब एक लोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पर्क। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जब आप एक बहुत आपका ITR बना नहीं है, आप बहुत वीक चल रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन आपके पास जो आइडियाज हैं वो ब्राइट हैं, ठीक है, मे बी यू कैन डू वेल, बट इफ यू गो एंड अप्रोच अ बैंक मे बी दे विल नॉट गिव यू अ लोन बेस्ड ऑन योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। उनका बहुत ऑफिशियल प्रोसीजर रहता है, वो शक्ल देख के लोन नहीं देते हैं, ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल देखकर लोन देंगे, आपका कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल या आपका खुद का फाइनेंशियल प्रोफाइल देखकर लोन देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर उनका इन प्लेस मिल जाएंगे उनको और वाकई में आपका फाइनेंशियल एसेट स्ट्रांग दिख रहा होगा, देन यू विल क्वालिफाई फॉर अ लोन फॉर अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ नॉट यू विल नॉट क्वालिफाई। तब आप कहां जाएंगे भाई साहब, तब आप जाएंगे मनी लेंडर्स के पास, तब आप जाएंगे भाई साहब लोकल मर्चेंट्स के पास जो उधारी पे पैसा देते हैं, ठीक है, और ये आपको जानते हैं इसलिए पैसा दे रहे हैं। कल को अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। दे नो यू वेल, बट दे नो यू वेल एंड दे विल इंश्योर दैट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अ बैंक लोन दे विल चार्ज एट अ मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। आपका जो इंडिया है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पर नहीं चल सकता, हालांकि गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोन डिस्पर्सल इज बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल प्रोफाइल, एंड अंटिल अनलेस यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एंड क्रिएट योर फाइनेंशियल प्रोफाइल यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर प्रोक्योरिंग लोन्स, ठीक है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा उठाना है तो आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल बिल्टअप हुआ हो या ना हुआ हो, आपको लोन मिल सकता है, लोग आपको शक्ल देखकर पैसा दे सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा करके लोग इसी, ये इजी मनी है, बट इट कम्स विद अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मच मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर भाई साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका इंटरेस्ट रेट हुआ 10-12%, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 22-25%, समटाइम्स एज हाई एज 50%, डिपेंड्स अपॉन वॉट दैट पर्सन हु इज लेंडिंग यू द मनी चूजेस, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट पूरा पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर बना सकती है, पॉसिबल नहीं है। अभी आप देखो गरीब ग्रामीण अंचल में जहां पे भाई साहब फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स भाई साहब अगर किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, बैंक वाला बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, दुनिया भर का डॉक्यूमेंट मांगेगा। फार्मर भाई साहब पढ़ा लिखा इंसान नहीं है,
वो बोलेगा पता नहीं ये डॉक्यूमेंट लेकर क्या कर लेंगे कल, वो इनसिक्योर हो जाएगा। जितनी भी पढ़ी लिखी चीज़ों से उसका वास्ता बढ़ेगा वो उतना ही इनसिक्योर होता जाएगा। वो बोलेगा ये झंझट झमेला से छोड़कर हम जाते हैं भाई साहब सरकारी, मतलब जो आपके गांव के मुखिया हैं या जो भी आपके यू नो मर्चेंट है, जो लैंड ओनर्स हैं या जो पैसा देते हैं ब्याज पे, उनके पास चला जाएगा क्योंकि वो उनको जानते हैं। ठीक है, तो जमीन गिरवी रख के वो भाई साहब वहाँ से लोन उठाएगा। ईजी प्रोसेस है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो उसी में जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। सो इंडिया में भाई साहब पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन डिस्पर्सल नहीं होता है। तो आपका फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल एज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक तरफा नहीं हो सकता। द ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या है भाई साहब? प्रॉपर जो बैंकिंग सिस्टम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द कोर ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI, ठीक है। तो ये सारे आपके भाई साहब जितने भी, ये आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे पूरे लिखा पढ़ी से काम होता है और लोन डिस्पर्सल का यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एवरीथिंग इज प्रीटी मच ऑर्गेनाइज अंटिल अनलेस यू क्वालिफाई विथ योर फाइनेंशियल प्रोफाइल टू प्रोक्योर अ लोन फ्रॉम एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, यू विल नॉट बी ग्रांटेड अ लोन। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज इट? इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन आर कंट्री। ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे है। ठीक है, इट इज द एपेक्स, मतलब ये सारे बैंक्स का बाप है। ठीक है, इट इज द एपेक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन आर कंट्री। ओके, इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्टली सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है। सिर्फ मॉनिटर मतलब रिजर्व बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इश्यू किया है उसी रेट पे आपको कस्टमर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ठीक है, प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी मॉनिटर करेगा और ये भी ऑडिट करेगा कि आप किसको और कितने परसेंट पे लोन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोक्योर किया है। कुछ बैंक्स जैसे आपका एक PNC बैंक था कुछ सालों पहले, ये बंद हुआ, काफ़ी सारी हलचल हुई, लोगों के पैसे अटक गए भाई साहब। ठीक है, और इसको रिजर्व बैंक ने ताला लगा दिया। ताला क्यों लगा दिया? क्योंकि देयर वेर फ्लॉस। ठीक है, रिजर्व बैंक ने ऑडिट किया कि लोन्स किसको दिए जा रहे हैं, पब्लिक का पैसा है। ठीक है, पब्लिक को अपना डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन लोन्स का जो पैसा वो कहाँ घूम रहा है। तो देखा गया कि ज़्यादा करके जितने भी बैंक के डायरेक्टर्स थे उन्हीं में ये पैसा घूम रहा है, उन्होंने बिजनेस पर्पसेस के लिए उसी बैंक से लोन लिया है। ठीक है, सो दैट इज अ वायलेशन ऑफ द रेगुलेटरी एक्ट दैट RBI हैड सेट अप, और बैंक पे ताला पड़ गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे बैंक ने बहुत स्मॉल अमाउंट्स में सबको सबके पैसे वापस किए। ठीक है, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, दैट इज हाउ बेसिकली थिंग्स आर। सो आपके जो रिजर्व बैंक है दैट नॉट ओनली मॉनिटर्स वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट ऑल्सो मॉनिटर्स अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स कि भाई साहब आप जो लोन डिस्पर्स कर रहे हैं क्या वो वाकई में सही प्रोसेस से सही इंसान तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर लोन आपको डायरेक्टर्स को ही पहुंच रहा है तो नीडी पर्सन को नहीं पहुंच रहा है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बैंक? इट इज नॉट फुलफिलिंग द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ बैंक सेटअप। ठीक है, बैंक सेटअप का भाई साहब एक बहुत बड़ा वेलफेयर एस्पेक्ट है जो बैंक पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसे चीजों में जब ऑडिट फेलियर होता है, व्हेन देयर इज एन ऑडिट फेलियर, सो देयर कैन बी अ सील मेड टू द बैंक फॉर ऑपरेशन। ठीक है, यू मिस्टर मात्रे। ओके, सो रेगुलेटिंग द मनी मार्केट, मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI वाज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। ओके, नाउ कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एन इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स टुगेदर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब बैंकिंग का, किसी लोगों के पास पैसा है उनको अपना पैसा बढ़ाना है तो ये बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे, ये बैंक्स इनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा वापस देंगे, लेकिन उसी टाइम पे ये बैंक्स किन्हीं दूसरों को भी लोन्स देंगे एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस रहेगा उससे बैंक की कमाई होगी और उसी से बैंक चलेगा। ठीक है, ओके, सो कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब बीच में आते हैं, किनका? जिनके पास सेविंग्स है, और किनका भाई साहब? जिनके पास भाई साहब इन्वेस्टर्स है। दे आर अ प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर प्रॉफिट सीकिंग। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं।
इनका वेलफेयर से कुछ खास लेना देना नहीं है। जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनका मेन मोटिव है प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट के लिए काफी सारा देखो कस्टमर्स को कॉल भी करते हैं, कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये फैसिलिटीज है, हमारे ये तो देखोगे प्राइवेट बैंक्स का सर्विस जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, और काफी सारे प्रमोशंस भी इनके होते हैं। तो दीज आर प्रॉफिट ड्रिवन बैंक्स, ठीक है। ये अपना प्रॉफिट कहां से लाती है भाई साहब, जो इन लोन्स को ये दे रहे हैं और जो भाई साहब कस्टमर का पैसा आ रहा है, ठीक है, एज सेविंग्स, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज हाउ दे अर्न। ये हो गया कमर्शियल बैंक्स। दूसरे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं उनका सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, उनका जो गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक्स मतलब कौन से हो गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऑल दीज आर नेशनलाइज्ड बैंक्स। नाउ द पर्पस ऑफ दीज नेशनलाइज्ड बैंक्स इज बोथ प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर ऑफ पीपल। मार्केट में पैसा सही इंसान के पास सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तभी जाकर हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा, ठीक है। जैसे समझ लो कोई फार्मर है, उसको जिस टाइम पे पैसा चाहिए, मतलब हार्वेस्टिंग सीजन पे उसको पैसा चाहिए, सीड्स के लिए पैसा चाहिए, पानी के लिए पैसा चाहिए, जमीन में मजदूरों के लिए पैसा चाहिए, उस टाइम पे अगर हमने उसको पैसा प्रोवाइड नहीं किया और जब हार्वेस्टिंग सीजन है या मिड सीजन है तब जाकर उसका लोन सैंक्शन कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। दैट इज नॉट द टाइम व्हेन ही वुड रिक्वायर द मनी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द राइट अमाउंट ऑफ मनी रीचेज द राइट सेट ऑफ पीपल एट द राइट टाइम, एंड कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। नेशनलाइज्ड बैंक्स का भाई साहब आपका दो एस्पेक्ट है, तो ये आपके भाई साहब प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग है इनका। देखो कमर्शियल बैंक्स का और नेशनलाइज्ड बैंक्स का दोनों का फंक्शन सेम है, टू इंश्योर दैट द मनी इज रोल्ड आउट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, दोनों का भी भाई साहब फंक्शन सेम है। एक चीज में डिफरेंस है, नेशनलाइज्ड बैंक्स का प्राइमरी मोटिव है वेलफेयर, वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट, लेकिन आपका कमर्शियल बैंक्स का सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव है, ठीक है। लेकिन दोनों को रेगुलेट करता है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। हर रोज आपको हर बैंक को पूरा पूरा जितना भी स्टेटमेंट है सब देना पड़ेगा, भाई साहब किसको कितने इंटरेस्ट पे आपने लोन दिया, क्यों दिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे दिया, ये सारा रिपोर्ट भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है। हर रोज एक क्लोजिंग आवर होता है, उसके पहले ये पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, दैट हैज टू रीच देम। आप देखोगे कुछ कुछ बैंक संडे को भी ओपन रहते हैं, जैसे अभ्युदय बैंक है, ठीक है, वो संडे को भी ओपन रहता है, ठीक है। तो इन बैंक्स में क्या होता है, संडे और मंडे का कंबाइंड स्टेटमेंट जाता है आपका, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट वेज, लेकिन RBI हैज अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, RBI हैज अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव बैंक्स, द बैंक्स सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स by meeting the credit needs of local populations, specially small and medium income groups, ठीक है। तो ये banks क्या करते हैं भाई साहब, supplement the efforts of commercial banks, ये commercial banks के efforts को supplement करते हैं by meeting the credit needs of local population, जो local population है उनके credit needs को, ये specially small and medium income groups, तो जो भी आपके small या medium size income groups हैं इनके needs and requirements को ये meet up करते हैं, ठीक है। The cooperative banks in India have three tier structure, क्या क्या है भाई साहब, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी विच इज एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स विच इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विच इज एट स्टेट लेवल, और एपेक्स बैंक। तो आपके तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज विच इज हैपनिंग एट अ प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विच इज एट स्टेट लेवल, ये आपके भाई साहब तीन प्राइमरी लेवल्स हो गए, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs are agencies that provide medium and long-term financial assistance to aid the development of industry, agriculture and other key sectors. जैसे IDBI bank है, Industrial Development Bank of India, ये आपका एक type का bank हो गया, ये ज्यादा करके industries को finance करता है, ठीक है। Agencies that provide medium and long-term financial assistance, थोड़े से time के लिए या बड़े से time के लिए, to industry को, agriculture को and other key sectors, ये sector wise पैसा, मतलब ये इंडिविजुअल नहीं सेक्टर वाइज पैसा घुमाते हैं, ठीक है। सो दे आर प्रमोटिंग द सेक्टर्स। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI वाज द फर्स्ट DFI टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 1948।
Discount and Finance House of India, which is DFHI, was set up in 1988 as a money market institution based on the recommendations of Wagul Committee. ठीक है, it imparts liquidity to the money market instruments. तो liquidity मतलब ये पैसा market में घुमाता है. ठीक है, it imparts. DFHI is jointly owned by the RBI, public sector banks and financial institutions. तो बहुत सारे लोग इसमें involved हैं. RBI involved है. ठीक है, jointly owned by RBI, public sector banks. Public sector banks आते कौन हो जाएंगे, जो government backings हैं, जैसे आपका SBI हो गया, State Bank of India, Bank of Baroda, Allahabad Bank, ये सारे आपके जितने भी हैं, these are all public sector banks. ठीक है, and financial institutions, कुछ financial institutions भी इसमें involved है DFHI में. ठीक है, okay, unorganized sector. अभी हम बात करेंगे भाई साहब unorganized sector. Unorganized sector मतलब आपका मुंह बोली जबानी जो आपका पैसा घूम रहा है. ठीक है, आप किसी इंसान को जानते हैं जो पैसा घुमाता है इंटरेस्ट पे, उसके पास आप जाते हैं, वो पैसा देता है, 20% मांग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई साहब उसको 20% ब्याज दूं, उसके पहले ही मैं उसका पूरा चुकता कर दूंगा, तो आप जाके उससे पैसा ले लेते हैं. कभी कभी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो इन दैट केस यू विल हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट एज एन इंटरेस्ट. और लोग इन लोगों को इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि जनरली बैंक के प्रोसेस में उनका बहुत सारा टाइम जाता होगा, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते होंगे, या बैंक के प्रोसेस में उनका लोन प्रोक्योर नहीं होता होगा, या उनके पास वाकई में कोई कोलैटरल नहीं है, क्योंकि बैंक आपको किसी कोलैटरल के बेसिस पे लोन देता है. कोलैटरल मतलब गिरवी क्या रखते हैं आप. ठीक है, किस चीज का, जैसे अगर आपने भाई साहब कोई बड़ा लोन लिया तो शायद आपके घर के कागजात बैंक के पास रहेंगे. ठीक है, सो ऐसा होता है, तो कोलैटरल आपको एक देना पड़ता है. यू हैव टू बेसिकली सबमिट अ कोलैटरल व्हेनेवर यू आर प्रोक्योरिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक. एक बैंक से जब भी आप लोन प्रोक्योर करते हैं तो आपको एक कोलैटरल देना पड़ता है. द एक्टिविटीज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर लार्जली कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज. तो ज्यादा करके रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा प्रीडोमिनेंट है. क्यों भाई साहब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि जो अनपढ़ गवार किसान लोग होते हैं उनके लिए बैंक जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना, ये बड़ा भाई साहब एक लंबा प्रोसेस होगा. और प्लस जब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आपको बैंक की कार्रवाई से आप बड़ी जल्दी यू नो फेडअप हो जाएंगे. अरे आज तो भाई साहब आधार कार्ड मांगा, फिर भाई साहब पैन कार्ड मांग रहे हैं, फिर भाई साहब जमीन के कागजात मांग रहे हैं, फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग रहे हैं, अरे क्या रोज का चक्कर है. तो उनको ना चीजें समझ में नहीं आती हैं. जैसे आपको समझ में आएगा कि भाई साहब अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षित वर्ग के हैं तो आपको ये समझना आसान होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स उनको लगेगा ही. दे आर बिल्डिंग अप योर फाइनेंशियल प्रोफाइल, दे विल हैव अ थरथ चेक बिफोर लेंडिंग एन अमाउंट टू यू. ठीक है, सो ये प्रोसीजर आपको समझ में आएगा क्योंकि आप शिक्षित वर्ग के हैं, लेकिन गांव के अनपढ़ गवार किसान जो है उनको ये प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा और बड़ा इरिटेट हो जाएंगे. वो बोलेंगे भाई साहब गांव के साहूकार के पास जाते हैं, वो भाई साहब हमारी हमको जानता है, हमारे पूरे खानदान को जानता है, फट से लोन दे देगा. ठीक है, तो उनके लिए वो आसान पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस दलदल में वो फंसते जाते हैं और ये साहूकार भाई साहब 20-25% पे उनको लोन देगा. ठीक है, और फिर जब ये लोन नहीं दे पाएंगे तो इनकी जमीन जब्त करेगा. ऐसे करते करते भाई साहब उनका जमीन जाता रहेगा और वो गरीब से गरीब होते रहेंगे. ठीक है, सो द एक्टिविटीज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग: इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स जो मनी भाई साहब लेंड करते हैं साहूकार, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटीमीडियरीज. ठीक है, हम देखेंगे भाई साहब इंडिजिनस बैंकर्स कौन होते हैं. आर फाइनेंशियल इंटीमीडियरीज दैट फंक्शन इन अ सिमिलर वे एज बैंक्स. ये भाई साहब बहुत ही सिमिलर वे एज बैंक्स फंक्शन करते हैं. दे जनरली डील इन इंडिजिनस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हुंडी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, हुंडी फंड्स बोलते हैं. ठीक है, दीज आर इंडिजिनस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स known as hundi. The rate of interest differs from one market to another. अलग अलग markets में ऐसा rate of interest होता है. जैसे दूध वालों का एक market है तो वहां पर एक हुंडी चलेगा. ठीक है, इसी तरह से भाई साहब समझ लीजिए सब्जी वालों का एक market है, वहां पर एक हुंडी चलेगा. अलग अलग markets पे अलग अलग rate of interest पे हुंडी चलता है. ठीक है, okay. So the rate of interest differs from one market to another. जैसे बैंक्स में स्टैंडर्डाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका होम लोन है तो उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका कार लोन है तो उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका भाई साहब पर्सनल लोन है तो उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है. लेकिन यहाँ पे एज पर द मार्केट एंड कमोडिटी इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो जैसे दूध वालों का एक इंटरेस्ट चलता है, सब्जी वालों का एक चलता है. दे जनरली डील इन इंडिजिनस शॉर्ट टर्म. द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. दे आर वाइटल सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक्ड एरियाज. ऐसे एरियाज जहां पे भाई साहब बैंक्स नहीं है,
या बैंकिंग के सर्विसेज एक्सटेंड नहीं हुए हैं, ठीक है, ऐसे जगहों पे इस तरीके के इंडिजिनियस बैंक्स जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे डायरेक्टली प्रोवाइड लोन्स टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ऐसे एरिया ज्यादा करके गांव खेड़े के एरियाज होंगे, ठीक है। आप भाई साहब लिज्जत पापड़ की फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, ठीक है, या आप भाई साहब कोई एग्रीकल्चरल रिफाइनिंग प्रोसेस, जैसे समझ लो आप यू नो सनफ्लावर ऑयल बनाने जा रहे हैं, या भाई साहब आप मस्टर्ड ऑयल बनाने जा रहे हैं, या भाई साहब आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपको जो लोन लगता है वो ये हुंडी सिस्टम से इंडिजिनियस बैंकर्स आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर मार्केट, एक मार्केट को पर्टेन करता है, ठीक है। मनी लेंडर्स, साहूकार जो होते हैं, ये होते हैं असली खून चूसक, ठीक है। मतलब भाई साहब इनके पास अगर आपने उधारी ली तो 90% केसेस में आप उस उधारी को चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, ये मुंह मांगा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये आपको लोन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको जानते हैं, या वाया वाया आपको जानते हैं, ठीक है, वाया वाया आपको जानते हैं। सो दैट इज ऑलवेज देयर, मनी लेंडर्स हैं भाई साहब। मनी लेंडर्स मोस्टली ऑपरेट इन द विलेजेस एंड यूजुअली चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। द लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। अभी जब किसान इनके पास जाता है तो कभी कभी बोलेगा कि भाई साहब मेरा हार्वेस्टिंग चालू है तो हमको लोन चाहिए, या घर में कोई शादी है, बेटी की शादी है तो लोन चाहिए, ऐसे तमाम चीजों के लिए ये लोन लेते हैं। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि अच्छा तुमको एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए तो इतने टक्के पे देंगे, या तुमको पर्सनल शादी ब्याह का मामला है तो इतने टक्के पे देंगे, इनका जो मर्जी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स कर देंगे, ठीक है, ओके। सो द लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम आर बोथ फॉर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। कभी कभी भाई साहब घर में खाने को नहीं है, तभी किसान इनके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि भाई घर में खाने को नहीं है, आप मेरे फिलहाल अभी लोन दे दीजिए, कुछ सामान खरीद कर लाऊं, कहीं पे मजूरी करके मैं आपका ये चुकता कर दूंगा, ठीक है। ऐसे भी तो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी और अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी ये साहूकार लोग लोन देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसान या लोगों की शक्ल पर लोन देते हैं, नॉट ऑन देयर फाइनेंशियल प्रोफाइल, नॉट जनरली ऑन देयर फाइनेंशियल प्रोफाइल। एट प्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ मनी लेंडर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय द RBI ऑन अकाउंट ऑफ देयर टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट पुअर बोरोवर्स। तो आज की तारीख में थोड़ा सा RBI ने इन पे शिकंजा कसा है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा करके पुअर बोरोवर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा जो विलेज का सिस्टम है ये मनी लेंडर्स ने सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि ये मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, किसान बेचारे दे नहीं पाते हैं, पैदावार उतनी ज्यादा होती नहीं है, किसान के पास कुछ नहीं दिखता है, मतलब भूखे बच्चे हैं भाई साहब, परिवार भूखा है, ठीक है, परिवार में भाई साहब बेसिक एमिनिटीज नहीं है, किसान क्या करेगा भाई साहब, जाकर लोन ले लेगा, सोचेगा यही कि भाई मैं ज़मीन से बहुत ज़्यादा पैदावार करूँगा और इसका लोन चुकता कर दूंगा, लेकिन ज़मीन से जब पैदावार होती है तो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है, कि इसका लोन चुकता हो, क्योंकि इसका लोन में जो इंटरेस्ट इसने लगाया वो 20% का लगाया है भाई साहब, 20-25% का लोन का इंटरेस्ट लगाता है जो उसके हद से बाहर होता है, और फाइनली जब वो पे नहीं कर पाता है तो उसकी ज़मीन जब्त हो जाती है, तो किसान गरीब से और गरीब होता जाता है, ठीक है। सो ये एक डेप ट्रैप है, ये एक डेप ट्रैप ऐसा है कि भाई साहब साहूकार जो है तो ऐसे गरीब किसानों को ज़मीनों को हड़प कर बहुत बड़ा ज़मींदार बन जाता है, फिर वो क्या करेगा, इन्हीं किसानों से उनकी ज़मीन पे जो उन्होंने जब्त कर लिए उन्हीं पे काम करवाएगा, वह तूने लोन तो चुकता किया नहीं है, तूने जो ज़मीन दी है उसकी वैल्यू भाई साहब तेरे लोन से कम है, तो अभी बाकी का पैसा तू कैसे चुकाएगा, काम कर भाई साहब, इसी ज़मीन पर काम कर, तो इसी ज़मीन पर काम करके किसान उसका लोन चुकता कर रहा है, दैट इज़ द डेट ट्रैप, ठीक है, विच इज़ वेरी एक्सटेंसिव इन इंडिया, और इसके चलते भाई साहब बहुत किसानों ने मतलब दम तोड़ दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये मनी लेंडर्स के ऊपर RBI ने अपना शिकंजा कसा है। अभी अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, चिट फंड्स होते हैं, सुना होगा भाई साहब आपने, बहुत एक्टिव है चिट फंड्स आपके शहरी इलाकों में, ठीक है। चिट फंड्स हेयर मेंबर्स मेक रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। तो मेंबर्स क्या करते हैं, समझ लो आप लोग जो भी हैं, आप लोग ने एक चिट फंड चालू किया, तो आप लोग क्या करोगे, सब लोग मिलके 10,000 रुपये भाई साहब मंथली दे रहे हो उस फंड के लिए, ठीक है, तो एक जमा हो रहा है चिट फंड, ठीक है। फंड एंड बिड्स और ड्रॉज आर मेड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स। अभी हर महीने एक लकी ड्रॉ होगा, चिट फंड होगा और हर महीने एक लकी ड्रॉ होगा, तो समझ लो भाई साहब कांटा गया भाई साहब इस बार समीक्षा की तरफ, तो समीक्षा जीत गई, ठीक है, लेकिन समीक्षा अगले 12 महीनों तक उसको नहीं मिलेगा, ऐसा एग्रीमेंट होता है उनका, डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर से भाई साहब सबने जमा किया, तो अभी कितना हो गया भाई साहब, अभी समझ लो 10 जन है, 10 जन भाई साहब 10-10 रुपये 10,000 रुपये डाल रहे हैं,
पर महीना, तो अभी कितना हो गया भाई साहब 1 लाख। तो समीक्षा को फट से 1 लाख रुपए मिल गए, ना कोई लिखा पढ़ी ना कोई कुछ, तो उसको 1 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। फिर दूसरे महीने फिर से सबने 10-10 हज़ार रुपये दिए, अभी समझ लो भाई साहब किसी और का नंबर लग गया भाई साहब, ठीक है। सो एनीबडी कैन विन, सिया का नंबर लग गया भाई साहब तो उसको मिल जाएगा ये 1 लाख रुपए। तो ये चिट फंड होता है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ये डिपेंड करता है ग्रुप मेंबर्स पे, ग्रुप मेंबर्स ने क्या एग्री किया है, कितना कौन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है किसी महीने तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारे तमाम चीजें हैं, ठीक है, ये सारे तमाम चीजों के चलते चिट फंड्स होते हैं। ओके, निधि, व्हाट इज निधि, ठीक है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फंड वेयर मेंबर्स मेक रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन, लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी होता क्या है, इसमें सारे मेंबर्स बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते हैं, इट्स लाइक अ बैंक, और जब किसी को लोन चाहिए रहेगा तो वहां से भाई साहब लोन दिया जाएगा एट अ वेरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर देन द बैंक्स चार्ज, और यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उन्हीं में ये पैसा घूमेगा एज अ लोन। यहाँ पे जैसे चिट फंड में आपको पूरा पैसा मिल जाता है वैसा नहीं होगा, यहाँ पे एज अ लोन रिक्वायर्ड बाय द मेंबर द लोन इज गिवन एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लोन कंपनीज होती हैं, दीज आर फाइनेंशियल कंपनीज विच प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, बीइंग अनरेगुलेटेड दे चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो ये भाई साहब एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पे, ठीक है। फाइनेंस कंपनीज है विच प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को मतलब जो धंधा करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटा मोटा जो अपना इंडस्ट्री सेटअप करके रहते हैं, ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद से ही कुछ बिजनेस चला रहे हैं, इन लोगों को ये छोटे मोटे, बिंग अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड मतलब इन पे कोई रेगुलेशन नहीं है, आरबीआई का कोई या किसी स्टेट बैंक का कोई रेगुलेशन नहीं है, दे चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो इनका भाई साहब एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो लोन कंपनीज होती है बड़े परेशान करते हैं, ठीक है। मैंने ये बाजू वाला क्लास भी हमारा एक टाइम पे हुआ करता था, दिस रीजन व्हाई लेफ्ट इट, हम पढ़ा रहे हैं अचानक से भाई साहब 3-4 लोग आ जाएंगे, हम लोन कंपनी से आए इंस्पेक्शन करने आए, तो जो उनका ओनर था वो लोन लेने की कोशिश कर रहा था उस दुकान पे, तो ऐसा हर बार होता था, हर तीसरे दिन चौथे दिन कोई पार्टी आ रही है भाई साहब देख रही है, ओ अच्छा हम पढ़ा रहे हैं भाई साहब क्या चल रहा है, तो मैंने वह तक के उसको छोड़ दिया, ठीक है। बट दीज लोन कंपनीज दे आर वेरी इररेगुलर, इनका भाई साहब कोई रेगुलेटेड हिसाब से बिजनेस नहीं होता है, ठीक है, एंड दे जनरली चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका भाई साहब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ओके, चेक योर ग्रास, बहुत भाई साहब चूज द करेक्ट पेयर, क्रेडिट कंट्रोल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, सेंट्रल बैंक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नियर मनी, क्या हो जाएगा भाई साहब, क्रेडिट कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक होगा ना भाई साहब, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है ना, मनी मार्केट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। सो मनी मार्केट विल बी बेसिकली, लेकिन यार ये तो ऑप्शन ही नहीं है, कमर्शियल बैंक्स होगा ना एक्सेप्टिंग, तो कमर्शियल बैंक्स विल बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। IFCI बेसिकली आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका एक पार्ट है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी एज पर मी, एंड ये क्या हो गया भाई साहब 1B, हाँ ठीक तो है, क्रेडिट कंट्रोल 1B और आपका मनी मार्केट इज डी, 3 का हो गया भाई साहब ए, ठीक है, IFCI इज सी, ठीक है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, डैश इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, फाइनेंस बैंक ट्रेड कैश, तो आपका फाइनेंस इज द बैकबोन, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर डैश मनी, नियर लिमिटेड लॉन्ग टर्म रियल, तो नियर हो जाएगा, दिस विल बी नियर मनी, ठीक है। ओके, द मनी मार्केट इन इंडिया इज डैश, तो ये क्या हो जाएगा, डाइकोटोमस, व्हाई डाइकोटोमस, बिकॉज इट हैज गॉट बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डाइकोटोमस मतलब इसका डुअल नेचर होगा, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी ऑपरेट करता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी, ठीक है। सो डाइकोटोमस हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, डैश इज द ओनली एक्टिव मनी मार्केट इन इंडिया विद मनी फ्लोइंग इन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुंबई कोलकाता दिल्ली पुणे, दिस विल बी मुंबई, मुंबई को हम
फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। RBI वॉज नेशनलाइज ऑन 1st of January 2000, 16th of August 1950, 16th of August 1947, 1st of January 1949, so it was 1st of January 1949। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 का। डैश इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, परचेजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेफ डिपॉजिट वॉल, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इज अ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ठीक है, बैंक लॉकर, सेलिंग सिक्योरिटीज, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल एक मार्क्स का, कौन करेगा भाई साहब, सेंट्रल बैंक, दैट इज इन आर केस इट इज RBI। स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चार मार्क्स का क्वेश्चन है। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक ट्रांसफर्स गवर्नमेंट फंड्स, तो भाई साहब गवर्नमेंट फंड्स को ये ट्रांसफर करता है, यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। RBI एक्ट्स एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, वो बैंकर भी है गवर्नमेंट के लिए, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। ऑन बिहाफ गवर्नमेंट्स RBI एक्सेप्ट्स मनी, मेक्स पेमेंट्स एंड एंगेजेस इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। जैसे समझो RBI एक्सेप्ट्स मनी, तो जैसे गवर्नमेंट मनी कहां एक्सेप्ट करता है, अरे भाई साहब आप जब कोई फ्लैट ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उसका क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन में पैसा भरेंगे, वो रजिस्ट्रेशन का पैसा किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। कहाँ पे जाएगा ये, इट विल गो टू द RBI और RBI इज एक्सेप्ट। भाई कोई बैंक तो होना चाहिए, अभी भाई साहब मोदी जी बैठ रहेंगे क्या वहाँ पे, हाँ भाई साहब दो मेरे को, या क्या आपके भाई साहब चीफ मिनिस्टर बैठ रहेंगे वहाँ पे कि हाँ भाई साहब हमको दो, तो RBI में जाएगा ना, ये एक एक्सेप्टेंस मेड ऑफ पेमेंट हो गया भाई साहब, ठीक है। जैसे जैसे आप और क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी भाई साहब आपका, जैसे इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं कहाँ जाते हैं भाई साहब, जैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो RBI अकाउंट से एक्सेप्ट होगा, ये सारे गवर्नमेंट के पेमेंट सोर्सेस हैं। गवर्नमेंट इन RBI इज बेसिकली एक्सेप्टिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर अदर थिंग्स एंड मेक्स पेमेंट्स एज वेल। गवर्नमेंट के भाई साहब पेमेंट्स क्या हो गए, गवर्नमेंट ने कोई रास्ता बनाया तो कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है, गवर्नमेंट ने भाई साहब कोई प्रोजेक्ट लाया तो भाई साहब डिफरेंट सैलरीज पे करनी है, ये सारा भाई साहब जो होता है आपका सेंट्रल बैंक से होता है, ठीक है। मेक्स पेमेंट एंड एंगेजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो ये सारा भाई साहब RBI करता है, द एंटायर थिंग इज मैनेज्ड बाय RBI। स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्ट एज बैंकर्स बैंक, तो सेंट्रल बैंक विल नॉट एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है, सो इट इज डिसएग्री बिकॉज सारे बैंकर्स का ये बाप है, ठीक है, इट इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। RBI कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री एज वेल एज नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व, इसको हम CRR रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ये कौन चेक करता है, RBI, ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व्स विद द RBI अगेंस्ट द डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, तो थोड़ा बहुत जो आपका बैंक है वो अपने डिपॉजिट्स के हिसाब से एक कैश रिजर्व रेशियो RBI के साथ मेंटेन करता है। कल को भाई साहब कोई भी ऊपर नीचे हो गया तो दिस अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन बाय RBI टू डिसॉल्व द इशू, ठीक है, ओके। RBI डिस्काउंट्स एलिजिबल बिल्स ऑफ बैंक्स एंड आल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू देम, तो RBI कमर्शियल बैंक्स को कभी कभी लोन्स भी देता है, एडवांसेस भी देता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो भी बैंक कंप्लाई करेंगे, और RBI भाई साहब ताला भी लगा सकता है बैंक में, ठीक है, अगर बैंक से वायलेशंस हो गई तो RBI ताला लगा देगा भाई साहब बैंक में, ठीक है। स्टेट विद रीजंस, ठीक है, आपने अभी हाल में सुना होगा कि भाई साहब अबू दाबी बैंक में पूरी कमेटी को चेंज कर दिया गया है। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक एक सोसाइटी कोऑपरेटिव की तरह होती है, तो जितने भी उनके यू नो ओनर्स होते हैं पूरा चेंज कर दिया है, RBI ने पूरा चेंज कर दिया। दे हैव बीन सम वायलेशंस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट PNC बैंक में जैसे कुछ सालों पहले RBI ने भाई साहब ताला लगाया, तो अगेन देयर वेर सम वायलेशंस व्हिच वेर कॉट बाय द RBI बैंक इन द ऑडिट्स, ठीक है। तो सारा चीज देखती है भाई साहब, ये लोन किसमें घूम रहा है, किन लोगों को जा रहा है, भाई बैंक के लोग खुद ही खुद में लोन ले सकते हैं भाई साहब, है ना, तो दैट इज नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ द बैंक फॉर डेवलपमेंट, ओके। स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स डू नॉट क्रिएट क्रेडिट मनी, ठीक है, तो ये डिसएग्री होगा भाई साहब, अरे क्रेडिट ही उनका उनका फायदा है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, नेशनलाइज्ड बैंक्स का प्रॉफिट एंड वेलफेयर बोथ, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स दे डू नॉट क्रिएट क्रेडिट मनी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट,
दे वुड क्रिएट क्रेडिट मनी. नो आई डोंट अग्री विद द अबव स्टेटमेंट बिकॉज कमर्शियल. देखो ये जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना एग्री और डिसएग्री का, ये आप मन गढ़ंत कुछ नहीं लिख सकते. नो आई एग्री, जहाँ पे नॉट अग्री होना रहेगा वहाँ पे आपने अग्री लिख दिया, या जहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आपको वही सोचना पड़ेगा जिससे आपको मार्क्स मिले. ठीक है, तो मतलब सिंपल है, और आपको सही ट्रैक में ही सोचना पड़ेगा. आप यहाँ पे बोल नहीं सकते नो आई अग्री और नॉट अग्री का ऑप्शन नहीं है ये. ठीक है, एक्चुअली में ऑप्शन नहीं है. क्या तुम कल क्लास आओगे, आप बोल सकते हैं नहीं आए हाँ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको. सो डोंट गो बाय योर पर्सनल ओपिनियन हियर, यू विल हैव टू गो एज पर द स्टैंडर्ड आंसर. तो कमर्शियल बैंक्स हैव टू क्रिएट क्रेडिट मनी, दैट्स वेयर दे विल गेट द प्रॉफिट फ्रॉम. आर क्रेडिटर्स क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक. तो जितने भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जितने भी भाई साहब आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये आपका मेन डिपॉजिट सेंटर है बैंक्स का. आफ्टर मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, मतलब CRR आपने एक बार पाइल अप कर लिया. ठीक है, द बैलेंस अमाउंट इज यूज फॉर गिविंग लोन्स. द सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स गिवन बाय द बैंक्स. तो ये आपके सेकेंडरी डिपॉजिट्स है और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, दे आर गिवन बाय द लोन्स. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बार आया है देखो. ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, एक तो हो गया भाई साहब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. तो फ्रॉम एवरीवन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट्स ही भाई साहब वो बैलेंस है जिससे ये पैसा घूमेगा एज लोन्स. डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो लोन्स कैसे घूमेंगे. ठीक है, तो आपने देखा रहेगा जब ये यू नो व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और रादर एट कभी उन्होंने टाइम दिया था कि 500 और 2000 के नोट्स बंद हो जाएंगे. ठीक है, तो लोगों ने क्या किया भाई साहब, भर भर के जितना भी पैसा था उनके पास उन्होंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया. और जैसे ही बैंक्स के पास इतना सारा पैसा आ गया तो अभी इनको लोन्स में घुमाना है. अभी तो पैसा आ नहीं रहा था, तो इन्होंने भाई साहब क्या किया था, अपना सेविंग्स डिपॉजिट का 8% दे रहे थे. जैसे ही बैंक्स में धड़ाधड़ पैसा आया उन्होंने सेविंग्स का रेट ड्रॉप करके 6% कर दिया, 4% कर दिया भाई साहब. ठीक है, क्योंकि अब भाई पैसा आ गया है, अभी ये पैसे को घुमाएंगे. तो आपने देखो शाहरुख खान का वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, अभी भी किराए के घर पे रह रहे हो, कमाल है, होम लोन इतने सस्ते हो गए हैं. ठीक है, सो इट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड कि उस टाइम पे क्या हुआ कि आपका जो लोन्स दिए जा रहे थे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि बैंक के पास अभी बहुत सारा पैसा है. इन इस पैसे को भाई साहब लोन्स में घुमाना है, और इस पैसे को अगर लोन्स में घुमाना है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घुमाना पड़ेगा. ठीक है, तभी तो लोग लेंगे. तो दोनों तरफ से इंटरेस्ट कम हुआ, आपके डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और आपका होम लोन और बाकी सारे लोन्स पे भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया. ठीक है, सो ये सारी चीजें फ्लक्चुएट होती हैं. ठीक है, सो डिपॉजिट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब आप अगर इस अकाउंट को होल्ड करते हैं तो डिमांड डिपॉजिट के तहत जब चाहे तब आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, आपके पास कार्ड होता है, गूगल पे होता है, वो सारा भाई साहब आपके करंट या सेविंग्स अकाउंट से लिंक होता है. आप करंट अकाउंट से और सेविंग अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, या तो फिजिकली बैंक से जाकर पैसा निकाल सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. फिक्स्ड अकाउंट को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते. ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट को तोड़ने का एक प्रोसीजर है जो आपको बैंक में जाके कंप्लीट करना पड़ेगा. टाइम डिपॉजिट्स, आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स. रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं भाई साहब, व्हाट आर रिकरिंग डिपॉजिट्स, मतलब आप हर महीना छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट्स. तो जो लोग मतलब मध्य परिवार के लोग हैं, व्हाट दे डू इज बेसिकली हर महीने मैंने प्लान कर लिया है कि 20,000 डिपॉजिट करूंगा, तो 10,000 डिपॉजिट करूंगा, एज पर देयर इनकम दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट. और एक होता है भाई साहब आपका फिक्स डिपॉजिट, एक बड़ा चंक ऑफ पैसा आया और आपने उसको फिक्स कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, ये आपके टाइम डिपॉजिट होते हैं, मतलब जनरली आप बिफोर टाइम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते. 2 साल का हो, 4 साल का हो, 1 साल का हो, 5 साल का हो, जो भी है, यू बिफोर टाइम आप इसको लिक्विडेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट विड्रॉ इट बिफोर टाइम. ठीक है, सो दीज आर आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, और ये आपके हो गए भाई साहब रिकरिंग डिपॉजिट्स. ठीक है, ओके, टाइम डिपॉजिट्स हो गए. प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो आपके लोन्स एंड एडवांसेस हम इसमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, देन एंसिलरी फंक्शंस हो गए, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपका भाई साहब उनका मेजर फंक्शन होगा कमर्शियल बैंक्स का, क्योंकि जब तक लोग भाई साहब लोन्स या एडवांसेस नहीं लेंगे तब तक भाई साहब वो पैसा आएगा कहाँ से, जिसको घुमाकर उनको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है,
एंसिलरी फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? व्हाट आर एंसिलरी फंक्शंस पीपल? बोला बोला जल्दी से बोला, एंसिलरी फंक्शंस कलेक्शन ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स करना, फॉरेन एक्सचेंज, सो दीज आर एंसिलरी फंक्शंस, हाँ, ट्रांसफर ऑफ लोन, आपके बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, दीज आर एंसिलरी फंक्शंस, इन फंक्शंस को कमर्शियल बैंक्स देकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखो जैसे देर इज अ डिफरेंस व्हेन यू वॉक अप टू एन SBI और व्हेन यू वॉक अप टू एन HDFC बैंक, ठीक है, आपको डिफरेंस फील होगा, ठीक है, SBI एकदम सरकारी तरीके से काम करते हैं और आपका जो HDFC है आई बैठी बैठी बैठी, दे ट्राई टू गैदर योर अटेंशन, दे ट्राई टू गैदर यू एज अ कस्टमर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नेशनलाइज बैंक में अपना पैसा रखने का, ठीक है। अगर आप भाई साहब कोई प्राइवेट बैंक चूज कर रहे हैं या कमर्शियल बैंक चूज कर रहे हैं, सो दे हैव टू बी एट द टॉप लेवल ऑफ देयर सर्विस, उनका भाई साहब सर्विस लेवल बहुत टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन, मतलब जो आपके दावेदार हैं या जो आपके भाई साहब स्टार्टअप्स हैं या बिजनेस हाउसेज हैं, उनको टाइम पे लोन प्रोवाइड करना, सही टाइम पे सही पैसा जो है तो सही इंसान तक पहुंचाना, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, दीज आर फंक्शंस। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक्स प्लेस, इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, लिक्विड मतलब फटाफट वैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हाई लेस रिस्की एंड ईजिली मार्केटेबल विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं जो एक साल या एक साल में चुकता हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उनको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर नोन एज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स, तो भाई साहब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 4 महीने के लिए लोन चाहिए, ये आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है, फटाफट भाई साहब पैसा लिया और पैसा चुकता किया, ठीक है। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स क्या होता है भाई साहब, मनी मार्केट प्रोवाइड्स एक्सेस टू, जब तक मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ शायद बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन हर एक पॉइंट पे आपका इकोनॉमिक्स का आंसर आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब। अगर आपका 4 मार्क्स का कोई आंसर है ना, तो उसके लिए कम से कम आपको 3 या 4 पेज लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और OC में कोई रिहाई नहीं है, दैट इज़ द अमाउंट दैट यू नीड टू राइट, उससे कम में आप, मतलब ये नहीं कि आप उसमें बकवास भर रहे हो, ये तो काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर आपको मैं पूरे इलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ाने जाऊं तो एक चैप्टर आपका लगभग 15 से 20 दिन लग जाएगा। मैं आपको कंडेंस फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट्स समझ में आए, इन पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में आपको इलेबोरेट करना है। सबसे डिफ़िकल्ट होता है इकोनॉमिक्स और OC में मार्क्स लाना। OC में क्या होता है कि आपके चैप्टर जो है या टॉपिक्स जो हैं वो आपको समझ में आते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आपके कीवर्ड्स नहीं होंगे आंसर में नील बटे जीरो मिलेगा भाई साहब, कितना भी लंबा लिख लो। ये सब आपको भाई साहब एक एक पॉइंटर्स हैं जिनको आपको इलेबोरेटिवली आंसर में लिखना है। यू लुक एट द लेवल ऑफ आंसर्स दैट यू हैव टू गिव। बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर वही आपकी नियत रहेगी तो वही मिलेगा, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आपकी फितरत अगर यही है कि कैसा करके भाई साहब इसको, और अभी आपके सर पे तलवार लटक रही है, सीधे साधे साफ लफ्जों में अगर बोलूं, मैं आपको कल अगर प्रीलिम्स दूंगा ना, ये चलो एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, मुझे कोई गारंटी दे सकता है भाई साहब एक एक आंसर्स आपके भाई साहब टॉप टू बॉटम कितने ही मार्क्स ला लोगे भाई साहब, बताओ ना। यहाँ पे मुझे चेहरे लटके हुए दिख रहे हैं, ओ माय गॉड वेयर आर वी, व्हाई आर वी हियर, व्हाट अ बोरिंग सेशन। मेरा भी सेशन होगा जब मैं आपको प्रीलिम्स दूंगा और मैं बाकायदा इन आंसर्स को यहाँ से डिस्कस करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। आपने कॉमर्स को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि वो साइंस से ईजी है, और ये गलती आपने की है। साइंस में एक आंसर 2-3 लाइन में निपट जाता है, या तो 2-3 लाइन में आपने सही आंसर दिया रहेगा, और अगर आप एक पेज का आंसर लिख रहे हो तो आप पका रहे हैं, एग्जामिनर सीधा क्रॉस मार देगा।
दो तीन लाइन में एक आंसर निपट जाएगा, चाहे मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो तक, देर आर नो लॉन्ग आंसर्स। इकोनॉमिक्स और ओसी में जो लंबे आंसर्स 4 या 5 मार्क्स के होते हैं, मिनिमम 2 पेज के होंगे। अगर आपने इस लिए साइंस लिया है कि इट इज़ एन ईजियर वे आउट, इट इज़ डेफिनेटली नॉट। आपको एक एक पॉइंट पे यहाँ पे इलेबोरेट करना पड़ेगा। आई एम मोर ऑफ अ साइंस टीचर देन अ कॉमर्स, बट आई नो द ट्रेंड ऑफ आंसर्स। कभी आप गाइड में देखो, कभी टॉपर्स के आंसर्स देखो, बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जहाँ पे टॉपर्स के आंसर्स रहते हैं, देखो उन आंसर्स का वेटेज क्या है, देखो उन आंसर को कितने पेजों में कंप्लीट हुआ है, क्या मटीरियल है, क्या कीवर्ड्स यूज हुए हैं, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ऐसे नहीं कि मन गढ़ंत कुछ भी भरे जा रहे हैं आप। इट्स नॉट दैट ईजी टू स्कोर इन इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी में भाई साहब हिसाब मिला लिया हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसी की वजह से आपका परसेंटेज डाउन होता है, इसी की वजह से परसेंटेज डाउन होता है, क्योंकि आपको लेंथी फॉर्मेट में ही पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। सो प्लीज़ बी अ लिटिल मोर, ये जो मुँह लटकाए आप बैठे हुए हैं और मतलब ओ माई गॉड वॉट ऑन अर्थ इज़ गोइंग ऑन हेयर, येस दैट्स योर एटीट्यूड, बट आई विल ऑल्सो हैव माई डे, द डे आई गिव यू अ प्रीलिम्स एंड अ डे आई चेक द पेपर्स, यहाँ पे फिर किसका मुंह लटकेगा फिर हम देखेंगे, ठीक है। धमकी दे रहा हूँ, धमकी मान लो, जो भी मान लो, ठीक है, क्योंकि है ही ऐसा, यही ऐसा, यही सच है। मनी मार्केट प्रोवाइड्स, बहुत सारे लोग भाई साहब ये तुम्हारा पार्ट एंड पार्सल है, अकाउंटेंसी इज नॉट एवरीथिंग, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, इकोनॉमिक्स आपका भाई साहब पार्ट एंड पार्सल है। मनी मार्केट प्रोवाइड्स एक्सेस टू सोर्स ऑफ फंड्स इन ऑर्डर टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। तो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म है, तो पैसा आपका ज्यादा दिन तक अटका नहीं रहेगा। सो जो लेंडर है वो भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा और ना ही बोरोवर, ठीक है। सो कभी ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें अप्लाई नहीं होता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मनी मार्केट इज अ डायनेमिक मार्केट भाई साहब, इधर का पैसा उधर गया, उधर का पैसा इधर, ऐसा चल रहा है भाई साहब, ठीक है। इट हेल्प्स द मॉनिटरी अथॉरिटीज टू एफिशिएंटली मैनेज द लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी। तो मनी को और लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब जैसे देखो कोई फिक्स डिपॉजिट है, आपने भाई साहब बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया जिसको 5 साल तक फिक्स कर दिया, इसका कोई लिक्विडिटी नहीं है ये भाई साहब, इस पैसे को आप 5 साल के पहले हाथ नहीं लगा सकते। अगर आप लगा रहे होंगे, इसको तोड़ रहे होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी तभी आप जाकर इसको तोड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। एक दिन पहले भी तोड़ेंगे तो भी आपका इंटरेस्ट का काफ़ी लॉस हो जाएगा। सो अनटिल अनलेस अ पर्सन इज इन वेरी डायर सर्कमस्टांसेस और यू नो वेरी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, तो इसकी लिक्विडिटी फिक्स्ड हो गई, ये लिक्विड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पैसा इधर से आया भाई साहब, इधर गया तो इधर से लिया, फिर इधर गया, ये आपका भाई साहब लिक्विड पे नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मनी मार्केट एक बहुत डायनेमिक मार्केट है, मतलब पैसा जो है एक जगह नहीं ठहर रहा है, वो घूम रहा है भाई साहब। इट हेल्प्स द मनी अथॉरिटीज टू एफिशिएंटली मैनेज लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी, दस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Equilibrating mechanism, money market helps to establish equilibrium between the demand for and supply of short-term funds by a way of rational allocation of resources and mobilization of savings into investment channels. ठीक है, तो देखो कैसा है, जैसे समझो कि कोई बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, अभी कोई बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है, तो हाँ उसने कुछ कैपिटल लिया होगा और फिर वो बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। अभी समझ लो हर फ्लोर पे समझ लो 6 रूम्स हैं, ठीक है, तो एक फ्लोर बना लिया उसने, जितना भी पैसा उसमें हुआ था, 2 फ्लोर बना लिया, अब भाई साहब गाड़ी अटक रही है, ठीक है, सीमेंट वालों को सप्लाई, सीमेंट सप्लायर्स को पैसा देना है, रॉड सप्लायर्स को पैसा देना है, लेबरर्स को पैसा देना है, ठीक है, इंजीनियर्स को पैसा देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैसा देना है, आपकी धीरे धीरे लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। तब आप क्या करोगे, तब आप फ्लैट का एडवांस बुकिंग चालू कर दोगे, ठीक है। देन व्हाट यू विल डू इज, ये आपका पैसा अभी क्या हो रहा है, अभी पैसा अटक रहा है, तो अभी आप लिक्विडिटी बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर मेकिंग योर प्रॉपर्टी लिक्विड सेलेबल। आप क्या ऑफर लाओगे भाई साहब, आज से बिल्डिंग के कंप्लीशन, आपका भाई साहब पोजेशन 2 साल बाद मिल जाएगा आपको। अगर 2 साल बाद लेने जाओगे, ये रेट पे हम फ्लैट बेचेंगे, आज हम ये रेट पे बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। 2 साल बाद जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा ओसी रिसीव हो जाएगा, वी विल सेल ईच फ्लैट एट मे बी 75 लाख्स, टुडे वी आर चार्जिंग ओनली 60 लाख्स। ओके पीपल, सो वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय मनी मार्केट इन इंडिया। तो आपके मनी मार्केट इन इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज।
और इन सारे प्रॉब्लम्स को हम इंडिविजुअली डील करेंगे. ड्यूअल स्ट्रक्चर है, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशंस, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. सो वी विल सी. ठीक है, तो आपके मनी मार्केट में ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, ये पहला पॉइंट है. इसमें भाई साहब क्या है, द मनी मार्केट इन इंडिया इज डाइकोटोमस बाय नेचर. व्हाट डू वी मीन बाय डाइकोटोमस मंजरी? डाइकोटोमस मतलब सिया, डाइकोटोमस, डाइकोटोमस भाई ऑनिट, डाइकोटोमस तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपका मनी मार्केट से हम लोन देते और अप्रूव करवाते हैं. ठीक है, सो डिस्पर्सल ऑफ मनी इन द मार्केट गोज थ्रू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ठीक है, तो मनी लेंडर्स हो गया, गांव के साहूकार महाजन लोग हो गए, इन लोग जब किसानों को या गरीबों को पैसा देते हैं, या शहरों में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव खेड़े में ही ऐसा होता है. जैसे अगर आप देखोगे ये जो आपके मारवाड़ियों का एक कम्युनिटी होता है, गुजरातियों का एक कम्युनिटी होता है, यहाँ पे कैसा होता है कि ये लोग पैसा एक दूसरे से लेते रहते हैं. ठीक है, बिजनेस में कौन भाई साहब बैंक के चक्कर काटे, तो ये फटाफट भाई साहब ऐसा होता है. तो ये सारे आपके, तो इससे इसका बिजनेस फेवर होता है. ठीक है, इस तरीके का जो कम्युनिटी वेस्ड है, तो इस तरीके का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी रोल आउट हो रहा है. ठीक है, और एक होता है भाई साहब आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आप कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से जो पैसा उठाते हैं. तो इंडिया में मनी जो फ्लोटिंग है दोनों तरफ से है. ठीक है, तो इट इज डाइकोटोमस इन नेचर मनी मार्केट. ठीक है, तो ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, आपका मनी मार्केट जो है वो ड्यूअल स्ट्रक्चर में है. ठीक है, अभी आप एक जगह पे समझ लो, अभी समझ लो कि मैं एक बैंक खोल रहा हूँ. ठीक है, एक ग्रामीण क्षेत्र में मैं एक बैंक खोल रहा हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पास दोनों भी आए, कौन, जो डिपॉजिट करने वाले हैं, जो पैसा अपना रखने वाले हैं, और जो लोन लेने वाले हैं, दोनों से ही मेरा धंधा चलेगा ना. एक भाई साहब पैसा डिपॉजिट करने वाले आ रहे हैं लेकिन लोन लेने वाले नहीं आ रहे हैं, तो भाई साहब मैं प्रॉफिट कहाँ से कमाऊंगा? ठीक है, इनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देकर ही तो मैं इस पैसे को घुमाकर प्रॉफिट कमाऊंगा. ठीक है, चाहे वो भाई साहब आपका नेशनलाइज या पब्लिक बैंक हो या आपका प्राइवेट बैंक हो, दिस इज क्रूशियल फॉर बिजनेस. तो लेट्स से मैंने एक बैंक खोला एक ग्रामीण क्षेत्र में, और इस ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोला किसान लोगों ने, चलो जो बड़े बड़े महाजन या साहूकार है उन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, एक तरफा ये तो हो गया, लेकिन जो लोग बैंक से लोन लेने वाले हैं वो गरीब किसान मजदूर लोग हैं. इनसे जब मैं डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा हूँ, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनपढ़ गवान लोग हैं. अभी तक ये गाँव के साहूकार या महाजन से पैसा ले रहे थे जिनको भाई शक्ल ये पहचानते हैं और इनको भी ये जानते हैं, तो भाई साहब प्रोसेस इजी था. हाउएवर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20-25% पे भाई साहब वो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अपनी जमीनों को गवा रहे थे, ये सारा कुछ चल रहा था. अभी इस प्रोसेस को क्लीन अप करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे बैंक सेटअप कर दिया. प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब गरीब अनपढ़ गवार जो किसान है या मजदूर लोग है, ये जितनी भी बार बैंक के पास आ रहे हैं ये डिनाई हो जा रहे हैं. तो क्या होगा, ये डिस्करेज होके भाई साहब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तुम्हारा ITR तुमने फाइल किया क्या? हो सकता है किसी किसान ने पिछले साल करोड़ों का अनाज बेचा हो, ठीक है, लेकिन उसका लिखा पढ़ी नहीं है, ITR नहीं है. ठीक है, उसका कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट नहीं है, कोई टैक्स स्टेटमेंट नहीं है, तो बैंक भाई साहब लोन नहीं दे रहा है. ठीक है, बैंक के अपने प्रोसीजर्स हैं भाई साहब, अपने कायदे कानून हैं. तो इससे क्या होगा, मेरे बैंक में भाई साहब पैसा तो जमा हो रहा है लेकिन लोन लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं चल पाएगा. तो इसीलिए वहां पे क्या चलेगा, आपका इस तरीके का लोन, इस तरीके का व्यापार, जो इस तरीके का लेन देन होता है पैसे का, चटमंगनी पड़ गया भाई साहब, तुम मेरे को पैसा दो, मेरे को फटाफट फसल खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, मामला खत्म करते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो आपका मनी मार्केट का डाइकोटोमस नेचर है जो ड्यूअल स्ट्रक्चर है, और ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये सिर्फ गाँव में भी एग्जिस्ट करता है, ये शहरों में भी एग्जिस्ट करता है, बाकायदा एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इट एग्जिस्ट. ओके, इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों भी भाई साहब इसमें. इट रिजल्ट्स इन डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, हमने भाई साहब बैंक खोल के बैठे और गवर्नमेंट ने सोचा सब लोग आके भाई साहब यहाँ पे लोन लेंगे, हम किसान के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, उल्टा ही हो गया भाई साहब, सब लोग और ज्यादा साहूकार और महाजन के पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको लाना चाहते हैं लेकिन डिसइंटीग्रेट हो रहा है. ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्यों, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब अब समझो साहूकार या महाजन है, उसने किसको कितने पे ब्याज दिया वो थोड़ी ना माइक में अनाउंस करेगा,
बैंक वाले बोल सकते हैं कि भाई साहब हम आपको 10% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहे हैं, ये बोल सकते हैं, वो 10 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं और बाकायदा पैम्पलेट में प्रिंट आउट करके भी बोल सकते हैं वो, ठीक है, दे कैन से इट ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन जो साहूकार या महाजन होगा वो कभी नहीं बोलेगा, उसका भाई साहब किसान के साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि भाई साहब इतने पे लोन है, इतने पे लोन है, इतने पे लोन है, बस खत्म, ठीक है। तो ये आपका लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन व्हाट टाइप ऑफ लोन्स, इन लोन्स व्हिच आर बेसिकली बीइंग गिवन और टेकन और प्रोक्योर्ड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। एंड इंक्रीज वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे। किसी किसान को भाई साहब जो उसके घर पे काम करता है, साहूकार ने 10% पे लोन दे दिया, और किसी किसान को भाई साहब जिसकी जमीन पे साहूकार की नजर है कि साहूकार चाहता ही है कि इस ये लोन ना दे चुकता कर पाए, उसकी जमीन हड़प ले, उसको भाई साहब 25% पे दे रहा है, उसकी मर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज वोलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है। किसी को किसी पे मतलब अपने मन घड़ंत वो दे रहा है, अपने हिसाब से वो दे रहा है। कोई किसान या मजदूर उसका कुछ काम में आता होगा, रोज उसके घर पे यू नो कोई काम करके जाता होगा, तो इसीलिए उसको कम पे लोन दे दिया और किसी दूसरे को वो 25% पे दे रहा है, उसकी मर्जी भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये हमारा एक पहला चैलेंज है, ठीक है, मनी मार्केट का एक चैलेंज है कि हमारा जो यू नो मनी मार्केट है वो डाइकोटोमस है इन नेचर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एग्जिस्ट करता है और अनऑर्गेनाइज में भी। डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अभी ये क्या होता है भाई साहब, वन ऑफ द प्री रिक्वेस्टीज फॉर डेवलपमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट या आज की तारीख में भाई साहब कोई भी मार्केट, आप ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, ठीक है। द मोर यू यूज एडवांस टेक्नोलॉजी द बेटर योर बिजनेस विल बी, ठीक है। तो आपका टेक्नोलॉजी को तो आपको यूज करना ही है, आपको आज की तारीख में भाई साहब आप चाहे किराने की दुकान चलाएं या भाई साहब कोई बड़ा आप एक एक चेन खोलें, यू विल हैव टू हैव टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। यू विल हैव टू हैव मोर नॉलेज, बिजनेस को बढ़ाना है अगर, बिजनेस को बड़ा बनाना है, बड़े डायमेंशन पे लेकर जाना है, तो टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी, यू हैव टू केटर टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, सो डिलेज इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैम्पर द वर्किंग ऑफ मनी मार्केट, तो आपका भाई साहब टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट से अपग्रेड नहीं करता है अपने आप को, ठीक है। सो काफी सारे चीजें हैं, जैसे बैंक में कोई प्रोसेस अगर है उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है, बहुत टाइम जाता है, मतलब दुनिया भर मतलब आपके पूरे इंडिया भर में जो बैंक रहेंगे उस टेक्नोलॉजी को उनको लेना पड़ेगा, दे विल हैव टू अडैप्ट टू दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये आपका है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। मैं कुछ सिंकल किसी के पास आर यू पे कार्ड है, आर यू पे होता है, देखो ये इंडियन करेंसी में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे देखो अमेरिकन बैंक्स में आपका अमेरिकन एक्सप्रेस है, सिटी बैंक का कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, ठीक है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इसका आपका नाम आपने सुना हुआ है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, सिटी बैंक कार्ड होता है। तो इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का आर यू पे लॉन्च किया है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आर यू पे को बहुत सारे वेबसाइट सपोर्ट नहीं करते हैं फॉर देयर ओन रीजंस, ठीक है। आप जैसे नेटफ्लिक्स से अगर आप परचेस करने जाओगे और आर यू पे कार्ड को यूज करोगे तो नहीं लेगा, ठीक है, उनके अलग पैंतरे हैं भाई साहब, नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उस करेंसी को, उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को वो बढ़ावा नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं कि आर यू पे ने अपने आप को होल्ड बैक किया है, वो लोग नहीं लेंगे, वो लेंगे आपसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या सिटी बैंक का कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड, दे विल नॉट टेक एन आर यू पे कार्ड, समझ में आ रहा है क्यों, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर इंटरनेशनली ऐसा फैल, तो मतलब ये लोग जानबूझकर अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदता रहता हूँ, मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदते रहते हैं यूएस कंपनीज से, और जब हम ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो बहुत सारे साइट्स पे आपका गूगल पे चल जाता है, आपका भाई साहब आर यू पे चल जाता है, मैक्सिमम साइट्स पे चल जाता है, कुछ लोग भाई साहब नहीं आर यू पे हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो जानबूझकर अपग्रेड नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, ये आपसी रंजिश है, ठीक है, आपसी रंजिश में, तो मतलब वो चाहते हैं कि आप इन कार्ड्स को ही यूज़ करें, और इन कार्ड्स ने इनको बोल के रखा है भाई साहब अगर आप आर यू पे लेते हैं तो हमारे साथ आपकी डील कैंसिल, ठीक है, ऐसा है। तो काफ़ी सारे आपके ऐसे चैलेंजेस हैं, देयर मेनी चैलेंजेस लाइक दीज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है, बहुत सारे टाइम पे आपका शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई साहब बैंक के पास हर समय पैसा अवेलेबल है आपको देने के लिए, तो देयर माइट बी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है। बहुत सारे लोग डिपॉजिट्स नहीं करे, अभी शॉर्टेज ऑफ फंड्स कब होगा, जब समझ लो आपका शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा हो, शेयर मार्केट रमारम चल रहा हो, शेयर मार्केट में प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, एक सिनेरियो समझो,
शेयर मार्केट में जब प्राइसेस ड्रॉप होते हैं या सोने के भाव जब गिरते हैं तो लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा उठाकर इन चीजों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक आपको ज्यादा ज्यादा कितना देगी, भाई साहब 7-8%, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएगी ना। शेयर मार्केट में दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे भाई साहब, बैंक से पैसा उठाकर इन सब पोर्टफोलियोज में पैसा डालेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गया, या साहूकार महाजन, अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात करें तो ज्यादा करके जब आपका ऐसे सीजन्स भी आते हैं जहां पे इनके पास भी पैसा नहीं होता है, जब इन्होंने भी बहुत सारी जगहों पे पैसा लगा के रखा होगा, ठीक है। सो ये सब होता रहता है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैपेंस, शॉर्टेज ऑफ फंड्स में, ओके, सो मनी मार्केट ऑफन फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। तो आपके सेविंग्स अगर प्रॉपर नहीं रहेंगे तो मनी मार्केट में वैसा प्रॉब्लम होगा। अभी कैसा हुआ रहेगा, देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शॉर्टेज ऑफ फंड्स कब होगा, जब पब्लिक अपना मनी डाइवर्ट करेगी दूसरे स्कीम्स में रादर देन ऑन बैंक्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रही है पब्लिक, शेयर्स में पैसा डाल रही है पब्लिक, ठीक है, रियल एस्टेट में पैसा डाल रही है, सोने में पैसा डाल रही है, ठीक है, इन सब चीजों पे भाई साहब पैसा डाल रही है पब्लिक, और इसको नजरअंदाज करेगी, बैंक्स को नजरअंदाज करेगी, 7-8% मिल रहा है, क्या ही मिल रहा है, ठीक है, ये एक हो सकता है। दूसरा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कब ऐसा होगा, जब भाई साहब साहूकार या महाजन देख रहा है कि भाई साहब अरे वाह बड़ा धड़ाधड़ लोन देते जा रहा है, अभी लोन देते देते उसका खुद का पैसा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा, जैसे समझो हार्वेस्टिंग सीजन है ना, हार्वेस्टिंग सीजन नहीं, आप समझ लीजिए जब आप सीड्स डाल रहे हैं, मतलब एकदम अभी आपका फसल, जब आप भाई साहब फसल डाल रहे हैं, ये पास कर दो ना, उसको प्लीज बंद कर दो प्लीज, तुम वैसे भी सो रही हो भाई साहब, थोड़ा काम कर लो, ओके। तो यहाँ पे आपका इनएडिक्वेट सेविंग्स है, तो मतलब क्या है, जब बहुत सारे किसान अभी साहूकार के पास जाएंगे तो वो सारा पैसा इनको दे देगा, अभी उसके पास भी पैसा नहीं बचेगा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स बोथ आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में हो सकते हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। द लो पर कैपिटा इनकम पुअर बैंकिंग हैबिट्स अमंगस्ट पीपल, हमारा भाई साहब लो पर कैपिटा इनकम है। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, द टोटल इनकम दैट इज जनरेटेड बाय अ कंट्री अपॉन इट्स टोटल पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ओके। अमंगस्ट पुअर बैंकिंग हैबिट्स अमंगस्ट पीपल, लोगों के बैंकिंग हैबिट्स थोड़े से अतरंगी है, मतलब जिस टाइम पे बैंक में पैसा डालना रहता है वो नहीं डालते हैं, अपने ही समय पे लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो दीज आर पुअर बैंकिंग हैबिट्स, ठीक है। इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, ठीक है, इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, सबसे बड़ा रोग है भाई साहब आपका क्रेडिट कार्ड का रोग, इट्स अ बेसिकली ट्रैप, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल तो जाता है लेकिन उससे आप आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देखा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। भाई साहब क्रेडिट कार्ड है भाई साहब, कुछ भी सामान खरीदने को जी करता है भाई साहब, फिर ठीक है, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाकर भाई साहब ब्रांडेड कपड़े उस टाइम भी तो उठा रहे हैं, 2-3 दिन भाई साहब लोग आपकी वाह वाह करेंगे, फिर मंथ के एंड में जब पैसा खिसकेगा आपके बैंक से तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, तो ये आपका वेस्टफुल कंजम्पशन है, ठीक है। तो वॉरेन बफेट हु वॉज सपोजिटली और रादर इज सपोजिटली अ बिग नेम इन द फाइनेंशियल मार्केट इटसेल्फ, ही यूज्ड टू से दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी टुडे इन बाइंग थिंग्स which you would not need in future, then you are doing a big waste of the entire thing, okay? Very soon you are going to be running short of money in buying things which you need, okay? आज की तारीख में अगर आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी शायद आपको जरूरत नहीं है, तो कल आपके पास पैसा नहीं रहेगा उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी आपकी जरूरत है, जिनको आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दैट्स वॉट ही सेड, और ये भाई साहब एकदम सही बात है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे काफी सारा वेस्टफुल कंजम्पशन है, और वेस्टफुल कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए, हर एक बिजनेस हाउस के लिए इंडिया एक लुक्रेटिव मार्केट है, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन धमाका है, और मतलब पॉपुलेशन में काफी सारे डिस्पैरिटी है, यहाँ पे करोड़पति लोग भी है और भिखारी भी है, तो मतलब हर एक के लिए हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, रिच के लिए, पुअर के लिए, सबके लिए हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे बिजनेस हाउसेस दे विल ऑलवेज लुक आउट फॉर सेलिंग इन इंडिया, दे विल ऑलवेज लुक आउट फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया।
और इसीलिए हमारा हमारा कमोडिटी मार्केट जो है वो भाई साहब बहुत ऊपर रहेगा वो हमेशा। तो इसमें हम करेंगे ही वेस्टफुल कंजम्पशन करेंगे ही, ठीक है। इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, तो आपके रूरल एरियाज में इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज का होना, मतलब किसानों को सही टाइम पे लोन नहीं मिल रहा है, सही रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो ठीक है लेकिन सही टाइम पे लोन नहीं मिल रहा है, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फंड्स होना मतलब आपका इनडायरेक्टली डेवलपमेंट का रुकना, ठीक है। अगर आपको जो सही टाइम पे सही इंसान को सही वक्त पे अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो डेवलपमेंट रुकेगा आपका, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, वो रुकेगा ही, ठीक है। ओके, सो शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशंस, डिमांड फॉर फंड्स वेरीज एज पर द सीजन। तो जब किसान आपका भाई साहब खेत में, तब उसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, उसको भाई साहब ट्रैक्टर भी चाहिए, सीड्स भी चाहिए, उसको भाई साहब लेबरर्स भी चाहिए, ठीक है, उसको इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, उसको इरिगेशन के लिए पंप और पानी भी चाहिए। सो उसका खर्चा सबसे ज़्यादा है जब वो बेसिकली वो सीड्स को सो कर रहा है, तो उस टाइम पे भाई साहब सारे किसानों का पैसा जो है वो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, सीजनल है ये, ठीक है। तो आप जैसे देखो भाई साहब यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं, दिवाली के टाइम पे भाई साहब ज़्यादा माल रखना पड़ेगा इनको, तो ये पीक सीजन है उनके सेल का, गारमेंट्स का हो गया, शूज का हो गया, दे विल इंश्योर दैट दे कीप मैक्सिमम स्टफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग पीक सीजन, दैट इज अक्टूबर टू जून। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अक्टूबर टू जून जो है वो एक भाई साहब पीक सीजन है कहीं पे भी, ठीक है, सबसे ज्यादा बिजनेस इस टाइम पे होता है, ठीक है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटीज। इस टाइम पे अगर आप देखोगे अक्टूबर टू जून में आपके ज्यादा करके त्यौहार आते हैं, ज्यादा करके शादियों का सीजन होता है, ठीक है। सो ये सारा जो है वो इस टाइम पे होता है, प्लस आपके जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इसी टाइम पे होते हैं, तो इस टाइम पे आपका मेजर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। सारे वर्गों के बीच, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो भाई साहब एग्रीकल्चरल कम्युनिटी हो, सबका भाई साहब पैसों का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। दिस रिजल्ट्स इन वाइड फ्लक्चुएशंस इन द मनी मार्केट, तो आपका भाई साहब काफी सारा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, क्योंकि ड्राई हो जाता है भाई साहब, लोग पैसा ले लेकर भाई साहब मनी मार्केट को ड्राई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत। ओके, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, अभी इसका मतलब क्या होता है, द बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री आर स्टिल इनएडिक्वेट एंड इनएसेसिबल टू वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। बैंकिंग की जो फैसिलिटीज है लोन को प्रिक्योर करना, अभी भाई साहब किसी ने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, लेट्स से एक गरीब इंसान है, उसके पास बहुत धमाकेदार आइडियाज हैं और शायद उसके पास थोड़ा पैसा आ जाए तो वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो बैंक के पास लोन लेने जा रहा है तो बैंक भाई साहब उसको लोन डिनाई कर रही है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना ही नहीं है, उसने कभी धंधा किया नहीं है तो कहाँ से बनेगा, ठीक है, उसका ITR अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, वो कैसे ही लोन को प्रिक्योर करेगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू प्रोक्योर लोन्स, ठीक है। सो ये एक भाई साहब हो जाएगा, द बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री, तो बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो कंट्री में लोगों के लिए इनएक्सेसिबल हैं, एंड टू द वल्नरेबल ग्रुप सच एज वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप, तो जितने भी आपके वीकर सेक्शंस हैं या लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज अभी भी पक्के रूप से नहीं है, दे आर स्टिल नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। मतलब आपके जो लो इनकम ग्रुप्स हैं या एग्रीकल्चरली बैकवर्ड है जो लोग, दे आर नॉट एबल टू रीप ऑन द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग, क्लियर है, ओके। दिस इंडिकेट्स लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो क्या आपके स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क से सब लोग इंक्लूड हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे, ठीक है। बैंकिंग उन सब लोगों को छोड़ना पड़ रहा है जिनके पास प्रॉपर ITR नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, जिससे ये प्रूव हो कि वो जो लोन उठा रहे हैं कल को उसको वो चुकता कर पाएंगे, तो बैंक्स विल नॉट टेक द रिस्क ऑफ ग्रांटिंग देम लोन्स, और ये भाई साहब चल ही रहा है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग आउट देयर, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मनी मार्केट कंप्राइजेस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स टू डिफरेंट एंटिटीज, लार्ज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू डिफरेंट बोरोवर्स, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं बोरोवर्स के, the different entities charge different rates of interest to different borrowers, to alag alag borrowers ko alag alag rate of interest charge hota hai, especially unorganized sector mein, theek hai, sahukar ya mahajan ke paas jo kaam kar raha hoga usko shayad kam rate of interest mein wo loan de dega, jo kisi dusre insaan
का लोन का रिक्वायरमेंट आएगा तो उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा, तो काफी सारा फ्लक्चुएशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अभी जैसे समझो एक और चीज है, ठीक है, जैसे आप अगर किसी बैंक के पास चलिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में साहूकार या महाजन कितने में किसको लोन दे रहा है, कितने टक्के पे दे रहा है, उसके ऊपर है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी अब आते हैं बैंक में, बैंक में क्या ये डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अभी समझो मुझे गाड़ी खरीदनी है और उस गाड़ी से मुझे धंधा करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जानना है मुझे, लेट्स से, तो मेरे लिए गाड़ी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन गाड़ी लेने के लिए बैंक भाई साहब 15% लोन दे रही है, 15% पे लोन दे रही है, लेट्स से कोई भी गाड़ी खरीदेगा तो बैंक उसको 15% पे लोन देगी, कोई अगर हाउस खरीद रहा है तो बैंक उसको 7-8% पे लोन दे रही है, लेकिन हाउस मेरा अभी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, मेरा प्रायोरिटी अभी मैं अगर कमाऊंगा तब जाकर हाउस ले पाऊंगा, ठीक है, तब जाकर मैं 7% पे लोन उठाकर घर ले पाऊंगा, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी गाड़ी है, लेकिन मेरे लिए वो 15% का 7% नहीं होगा, दैट विल स्टे एज 15%, ठीक है, इरिस्पेक्टिव। वैसे ही आपका पर्सनल लोन है, वैसे ही आपका बिजनेस लोन है, अलग अलग टाइप के लोन्स के लिए बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है, ठीक है, तो ये आपका है, और आपके एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, अगर कोई 40 का हो गया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा जब वो लोन लेने जाएगा, क्योंकि वो इज बेसिकली नियरिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर वो भाई साहब अगले 10 साल में नहीं लगा और वो टपक गया तो भाई साहब क्या करेगी बैंक, तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है ना। कोई अगर 50 का हो गया और वो बैंक में लोन देने जा रहा है तो बैंक वाले उसको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं देंगे जितना एक 20 साल के इंसान को देंगे, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, बिकॉज बैंक का रिस्क बढ़ रहा है ना भाई साहब, बढ़ती उम्र के साथ भाई साहब बैंक का पैसा डूबेगा, ये रिस्क फैक्टर भी तो बढ़ रहा है। किसी भी 50 साल के इंसान को हार्ट अटैक आना या कैंसर से पीड़ित हो जाना, दीज आर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट बॉडी का डी जनरेशन चालू हो गया है अभी, ठीक है, सो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, तो बैंक भी भाई साहब बोलेगा, ठीक है। सो डिफरेंट एंटिटीज चार्ज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू डिफरेंट बोरोवर्स, तो ये तो होगा ही भाई साहब। रिफॉर्म्स इन द मनी मार्केट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द मनी मार्केट आर न्यू इंस्ट्रूमेंट रिपोस एंड रिवर्स रिपोस, ठीक है, रिपोस सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग। तो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स क्या है भाई साहब, देयर हैव बीन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स ऑन वेरिंग मेच्योरिटी पीरियड्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये सब आपके तमाम नए चीजें आ गई हैं आपके बैंकिंग में, न्यू इंस्ट्रूमेंट, दीज न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैव डेवलप्ड, रेपोस एंड रिवर्स रेपोस, ठीक है। रेपोस बेसिकली होता क्या है, अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इज LAF, RBI रेपोस एंड रिवर्स रेपोस वेयर इंट्रोड्यूस। रेपोस भाई साहब आपके रेट्स होते हैं, ठीक है, अभी बैंक्स की लिक्विडिटी के हिसाब से RBI रेट्स को ऊपर नीचे करता है और उन रेट्स के आजू बाजू ही बैंक्स के रेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब RBI ने बोला कि होम लोन के रेट 7% तक होने चाहिए और आप भाई साहब कोई बैंक है वो 11% पे होम लोन दे रहे हैं, नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है। तो रेपोस पे भाई साहब क्या होगा, RBI एक फिक्स लगाएगी और उसके थोड़ा बहुत मार्जिन विथ में आप अपना फिक्स्ड रेट लगाएंगे लोन्स के लिए भी और डिपॉजिट्स के लिए भी, ठीक है, ओके। सो अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको हम बोलते हैं LAF, ठीक है, RBI रेपोस एंड रिवर्स रेपोस वेयर इंट्रोड्यूस। तो ये भाई साहब रेपोस। इंटरेस्ट रेट्स आर लार्जली डिटरमिंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इंटरेस्ट रेट आपके कैसे डिटरमिन होते हैं, मार्केट फोर्सेस पे, कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट डिमांड। जैसे समझो भाई साहब कि आपको जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया कि जब नोटबंदी हुई तो सब लोगों ने भाई साहब भर भर के बैंक में पैसे डाले, तो इससे क्या हुआ, बैंक ने अपने सेविंग्स रेट का जो इंटरेस्ट है उसको गिरा दिया, ठीक है, सारे जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट्स के रेट्स हैं वो गिर गए, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ गया, मुझे बैंक को पैसा नहीं चाहिए अभी बैंक को पैसा घुमाना है, तो साथ ही साथ क्या गिर गया, बैंक जो लोन देता था, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, चाहे भाई साहब आपका होम लोन हो, इनके रेट्स भी गिर गए, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों भी रेट्स आपके गिर गए, ठीक है। सो डिमांड और सप्लाई पे होता है, रेट्स का जो नियंत्रण होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है, बैंक के पास कितना पैसा है, सारे बैंक्स के पास, और भाई साहब कितना पैसा घूम सकता है, कितने रेट पे घूम सकता है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट्स आर लार्जली डिटरमिंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट, आपको सबको मालूम है भाई साहब क्या होता है, ठीक है,
आप भाई साहब बैंक में जाकर फटाफट ट्रांसफर करा सकते हैं। आज की तारीख में भाई साहब आपके पास अगर बैंक का ऐप होगा तो उससे भी आप किसी को भी नेफ्ट ट्रांसफर इमीडिएटली कर सकते हैं, तो इमीडिएट मनी डिस्पर्सल हो सकता है, ठीक है। एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको RTGS बोलते हैं वेयर इंट्रोड्यूस्ड एज इम्प्रूव पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मतलब फटाफट ताबड़तोड़ भाई साहब आप किसी से भी पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी को भी पैसा दे सकते हैं आपके बैंक से, ठीक है। सो दीज आर नेफ्ट एंड RTGS सिस्टम्स, ठीक है। नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये हो गया। एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, ठीक है, वेयर इंट्रोड्यूस एज इम्प्रूव पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। IMPS भी होता है, ठीक है, देयर इज ऑल्सो कॉल्ड IMPS, ठीक है। तो ये सारे आपके रुपी वैल्यू में आराम से, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग होगी भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। आप अगर अपने मम्मी पापा के फोन पे उनके अगर बैंक का ऐप डाउनलोडेड होगा तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं IMPS का ऑप्शन है, RTGS का ऑप्शन है, नेफ्ट का ऑप्शन है। अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो पैसा ताबड़तोड़ ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम से आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आया जिसमें हमारे ट्रांजैक्शन स्मूदर हो गई और फास्टर भी हो गई, ठीक है। तो मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कैपिटल मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इट इज बेसिकली अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ इक्विटी एंड डेट, ठीक है, इक्विटी के लिए भी और डेट के लिए भी, विच आर रेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जो भी आपके इक्विटी और डेट रेज होते हैं विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कैपिटल मार्केट हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, ओके। इट इज एसेंशियल टू डेवलप एफेक्टिव कैपिटल मार्केट फॉर प्रमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक आपका भाई साहब कैपिटल मार्केट इवॉल्व नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, बाकी सारे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट नहीं होगा। पैसा है भाई साहब, पैसे से पैसा बनता है, सिंपल, ठीक है। जिस टाइम पे मुझे बिजनेस डालना है, अगर मुझे उसी टाइम पे पैसा नहीं मिला तो काहे का मैं प्रोडक्शन करूं और कब जाकर मैं भाई साहब उसको मार्केट में लॉन्च करूं या सेल करूं। सो मनी इज रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड दैट हैज टू बी गिवन एट दैट टाइम, तभी जाकर हम ग्रोथ देख सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट मतलब आपका जो कैपिटल है, सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही इंसान पे अगर पैसा लगाया जाए या उसके इन्वेस्टमेंट किया जाए, तभी जाकर हमको ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स अचीव होगा। इंडियन कैपिटल मार्केट कंप्राइजेस ऑफ गिल्ड एज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो ये इंडियन कैपिटल मार्केट इन चार चीजों से, इन सब चीजों से बना हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs एंड FIs, DFIs, FIs, ठीक है, GSM एंड ISM, ठीक है, इन सब से बना हुआ है, GSM, ISM, ठीक है, आपका हो गया भाई साहब DFI एंड FI। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट कैन बी एक्सप्लेन एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम DFIs बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट ISM, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट दैट इज GSM एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट इज FI। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ठीक है, आपके भाई साहब जितने भी फैक्ट्रीज हैं, इनको ये लोन्स और असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दे प्रोवाइड मिड टर्म, मिड टर्म मतलब मीडियम टर्म, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, इस तरीके के मीडियम टर्म्स के लोन्स, या समझ लो 20 साल का लोन, ठीक है, ऐसे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो आपके प्राइवेट बिजनेस हाउसेज हैं, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFSI, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक एक्सेट्रा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, इट डील्स विद शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज, ठीक है, तो शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करता है भाई साहब ये, ठीक है, न्यू या ओल्ड कंपनीज जो लोग शेयर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ये डिमेंड। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट व्हिच इज बेसिकली न्यू इश्यूज, ठीक है, इट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, तो जो भी नई कंपनी है उसके लिए फ्रेश कैपिटल जनरेट करता है बाय शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यूज, इट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाई कंपनीज, ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट मतलब ओल्ड इश्यूज, इट डील्स विद सिक्योरिटीज विच हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाई कंपनीज। आपने भाई साहब कोई शेयर लॉन्च करके रखा होगा, अभी तक
कुछ लोगों ने खरीदा नहीं है, कुछ शेयर ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इन सब शेयर से ये डील करता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट जो न्यू इश्यूज से डील करता है, इट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल टू द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट्स फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, जो भी आपके सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से फंक्शन करते हैं। हर देश का अपना एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जैसे समझ लो कोई हाईवे बन रहा है, तो गवर्नमेंट ने आपने अपनी एक सिक्योरिटी लॉन्च कर दी, ठीक है, अपना एक स्टॉक टाइप का लॉन्च कर दिया कि भाई साहब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, यू विल गेट एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एट 9.5% और 10%, ठीक है। जैसे किसी बिल्डर को पैसों की जरूरत होती है बिल्डिंग डालने के पहले, ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के पहले पैसों की जरूरत पड़ती है। हमारे टैक्स के पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अगर और ज्यादा पैसे होते तो गवर्नमेंट ऐसे सिक्योरिटीज से अपने पैसे रेज करती है, ठीक है। सो इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट को हम क्या बोलेंगे, गिल्ट एज मार्केट। रेलवे का कोई भाई साहब प्रोजेक्ट आ रहा है, रोडवेज का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, इस तरह के एयरपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट अक्सर अपने सिक्योरिटीज लॉन्च करती है, पेपर और न्यूज चैनल से इसका इंफॉर्मेशन फैलता है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि हमारे न्यूज चैनल्स भाई साहब जिस कदर यू नो फालतू चीजों को दिखाते हैं, अगर सिक्योरिटीज मार्केट्स इनके बारे में नॉलेज स्प्रेड करे तो आई थिंक वी विल बी हैविंग अ मच बेटर यू नो थिंग्स टू बेसिकली हमारे रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें, दैट शुड बी न्यूज, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब, किसने किसको गाली दी, कहाँ किसी जंगल से तेंदुए ने छलांग मारी, पता नहीं क्या क्या न्यूज आजकल चलता रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो कि इतना सारा मार्केट है, किसी ना किसी को तो मतलब आप अगर मार्केट्स के बारे में बोलते रहें, या आप भाई साहब यू नो यू कीप ऑन प्रेजेंटिंग अबाउट वेरियस सेक्टर्स, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है सेक्टर्स का, इस तरीके का न्यूज अगर पब्लिक को दिखाएं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे लोगों का स्तर और सोचने का स्तर तो बढ़ेगा। क्या ही डिबेट चल रहा है और क्या ही पता नहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बट आई थिंक न्यूज और रादर मीडिया शुड बी प्रोपोगेटिंग दीज थिंग्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, ताकि आप धीरे धीरे उस तरह से सोचने लगे, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अ गिल्ट एज। आपको मालूम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या क्या चल रहे हैं, नहीं मालूम है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल 90% ऑफ इंडियंस वुड नॉट नो, मोर देन 95% ऑफ पीपल विल नॉट नो कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के तमाम प्रोजेक्ट होते हैं, जो लोग बड़े लोग होते हैं जो पैसा बना रहे हैं वो जानते हैं। उन लोग भाई साहब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कैसे लेते हैं, बैंक से लोन लेकर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदेंगे, क्योंकि ये तो मुनाफा है, ये पैसा आना ही आना है, गवर्नमेंट के साथ डीलिंग रॉन्ग नहीं हो सकती, है ना। कोई आपका पैसा लेकर डूब गया वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं डूब सकता आपके पैसा लेकर, ठीक है। तो लोग जो लोग बड़े लोग होते हैं, जो लोग बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बैंक से लोन लेकर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उठाते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। कॉमन लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है। इट्स अ ह्यूज मार्केट एक्चुअली। It's also known as a gilt edge market. Financial intermediaries, they act as a link between the investor and the borrower to meet the financial objectives of both the parties. तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आपका देखो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका मोतीलाल ओसवाल, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपका भाई साहब बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देंगे, ठीक है। मतलब कैसा है कि आप इनको कुछ पैसा देंगे and they will invest in right direction and they will make money for you. Or they can also do this कि भाई आप ही लगाइए पैसा, हम आपका डीमैट अकाउंट खोल के दे रहे हैं और हम आपको एडवाइस देते रहेंगे कब किधर कितना पैसा लगाना है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा आप इस पर पैसा लगा दो, ठीक है, ऐसा एडवाइस हम आपको देते रहेंगे, बिकॉज वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। सारा दिन हम वहीं पे बैठे रहते तो वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसका कुछ कमीशन वो लेंगे, ठीक है, आपके मुनाफे पे कुछ कमीशन वो लेंगे। सो दीज आर नोन एज इंटरमीडियरीज, ठीक है, दीज आर नोन एज, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर and the borrower to meet the financial objectives of both the parties. Merchant banks, mutual funds, leasing companies, venture capital companies, aise bahut sare hain bhai sahab, theek hai, there are many. Okay, role of capital market in India. Now, what is the role of capital market in India? Capital market is an important constituent of the financial system. Pure financial system ka bhai sahab capital market ek bahut bada hissa hai, theek hai. It is basically a market for long-term funds, both equity and debt. Okay, long-term funds, both equity and debt, which are raised within and outside the country. Okay, एक बहुत बड़ा market है for long-term funds. Okay, equity का और debt का दोनों का भी, which are raised within and outside the country. जो हम raise करते हैं
कंट्री के अंदर और आउटसाइड एज वेल, ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री. द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स. ये भाई साहब आपके लॉन्ग टर्म सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, ठीक है, मतलब आपके लॉन्ग टर्म सेविंग्स को एक डायरेक्शन देता है कैपिटल मार्केट, ठीक है. अच्छी, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जब देखिए सेविंग्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, आप सेविंग्स के लिए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो उस पैसे को आप घुमा पाएंगे लोन्स के लिए, ठीक है. तो आप भाई साहब बोलेंगे कि आप ना इसमें को फिक्स कर दो, 8% में फिक्स कर दो, बैंक इतना दे रहा है, तभी तो भाई साहब लोग ज़्यादा देर तक पैसा लगाएंगे. लोग ज़्यादा देर तक पैसा किस में लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में, और फिक्स डिपॉजिट्स आर जनरली गिविंग यू अ हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक चाहता है कि आपका पैसा उनके पास ज़्यादा देर तक रहे ताकि वो ज़्यादा देर तक उस पैसे को घुमा पाए. इसीलिए बैंक्स विल ऑलवेज लुक आउट फॉर रोलिंग मोर एंड मोर मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स रैदर देन करंट डिपॉजिट्स, ठीक है, क्लियर है, ओके. सो मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए भी भाई साहब, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल इंटीग्रेशन क्विक वैल्यूएशन, ठीक है. ये सब आपके भाई साहब रोल ऑफ कैपिटल मार्केट्स हैं, वी विल सी वन बाय वन, ठीक है. मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स. तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स कैसे भाई साहब मोबिलाइज होता है, कैपिटल मार्केट्स मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मतलब जैसे आप देखो फिक्स डिपॉजिट एक टाइप का सिक्योरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो इस टाइप के जो भी आपके, तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, सेविंग्स को अट्रैक्ट करता है लोगों से, ठीक है. जैसे आपका भाई साहब बैंक्स हो गए, तो दे विल अट्रैक्ट अ सेविंग बाय सेइंग दैट वी आर गोइंग टू गिव अ इंटरेस्ट ऑफ 8%, तो आप भाई साहब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज, कैपिटल मार्केट मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज से भाई साहब ये मोबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है. अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैपिटल मार्केट एनेबल्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये क्या करते हैं भाई साहब, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लोअर करते हैं, सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स एज वेल एज लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स, ठीक है. तो भाई साहब ये क्या क्या कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट एनेबल्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग ट्रांजैक्शनल कॉस्ट. ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को लोअर करते हैं, सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शनल प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शनल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, एज वेल एज लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स. प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर्स. तो भाई साहब इक्विटी या शेयर कैपिटल भी प्रोवाइड करता है किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है. दे कैन यूज इट फॉर परचेजिंग एसेट्स एज वेल एज फंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस. इसको भाई साहब ये यूज कर सकते हैं टू परचेज एसेट्स एज वेल एज फंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस. इंटीग्रेशन, कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स. तो भाई साहब जो रियल सेक्टर्स हैं और फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें भाई साहब इंटीग्रेशन ये असिस्ट करता है, ठीक है. कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स, इन सब में ये इंटीग्रेशन लाता है, ठीक है. इट बेसिकली असिस्ट, कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स. रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में इंटीग्रेशन कर लाता है. इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंटीग्रेशन लाता है. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में भाई साहब इंटीग्रेशन लाता है. डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स में भी. क्विक वैल्यूएशन, कैपिटल मार्केट्स हेल्प्स टू डिटरमिन अ फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डेट्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. तो कैपिटल मार्केट के चलते भाई साहब एक फटाफट से वैल्यूएशन हो जाता है इक्विटी दैट इज शेयर्स का भी और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का भी, ठीक है. फटाफट से वैल्यूएशन हो जाता है कि आपके पास जो इक्विटी है शेयर्स की वैल्यू क्या है, डिबेंचर्स की वैल्यू क्या है, बॉन्ड्स की वैल्यू क्या है, ठीक है. प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर फाइनेंशियल स्कैम्स, ठीक है. नीरव मोदी भाई साहब चुना लगाकर भाग गया, ठीक है. आपका विजय माल्या भाई साहब बैठा हुआ है इतना बड़ा एक, ठीक है. हर्षद मेहता ने अपने टाइम पे किया था, केतन मेहता ने किया था. तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे हमारे स्कैम्स हुए हैं, ठीक है. देर इज अ प्रोसेस, आप धीरे धीरे इन स्कैम्स के चलते गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करती गई है, लेकिन लोग लूपहोल देखते हैं. जिनको भाई साहब झोल से पैसा कमाना रहता है वो देखते हैं कैसे डॉज करके सिस्टम्स के हम पैसा निकालें, ठीक है. आपको समझ में भी नहीं आएगा ये लोग कैसे झोल कर रहे हैं, ठीक है. सो फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत बार हमारे कंट्री को भाई साहब झिंझोड़ के रख दिया है. और मतलब 1-2 करोड़ का स्कैम नहीं है भाई साहब,
तेलगी का जो स्कैम था, मतलब आपका स्टैम्प पेपर का स्कैम, 3,000 करोड़ रुपए, मतलब आप सोचिए इतने सारे करोड़ रुपए का स्कैम है ये, ठीक है। दीज आर बिग स्कैम्स दैट हैव हैपेंड, ठीक है। हर्षद मेहता के टाइम पे भाई साहब स्कैम हुआ है, ठीक है। केतन मेहता के टाइम पे, केतन पारेख बोल के एक थे, उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है। तो ये सारे स्कैम्स हैं दैट हैव हैपेंड, और ये स्कैम्स इसलिए हैं क्योंकि इनको लूप होल मिला है भाई साहब। एक दो रुपए का स्कैम नहीं है भाई साहब, हजारों करोड़ों रुपए के भाई साहब ये स्कैम्स हैं, ठीक है। दीज आर स्कैम्स विच हैव एक्सीडेड 3,000 करोड़, ठीक है। फाइनेंशियल स्कैम्स, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। अभी इनसाइडर ट्रेनिंग क्या होती है भाई साहब? इनसाइडर ट्रेनिंग मतलब क्या होती है? जैसे समझो एक कोई अच्छी कंपनी है, मुझे दिख रही है, अच्छा कर रही है, मैं उस पर पैसा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लो भाई साहब उसका शेयर आज की तारीख में इतने में बिक रहे हैं, और जिस तरह से कंपनी चल रही है, जिस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि इस शेयर के दाम बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो मैंने पैसा लगा दिया, लेकिन कंपनी में अंदर ही अंदर भाई साहब मैनेजमेंट में ठसन चल रहा है। ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और बिक भी रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट में भाई साहब ओनर्स में ठसन चल रहा है। तो क्या होगा? मैनेजमेंट वाइप आउट होगी, टूटेगी, वर्कर्स यूनियन में फाइट होगा, कल को जाकर भाई साहब क्या हो जाएगा, वही शेयर्स के प्राइस टप से नीचे गिरेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा तो आपके शेयर वैल्यूज भाई साहब नीचे आएंगे। ये मुझे मालूम नहीं, इन्वेस्टर्स को ये मालूम नहीं, लेकिन चतुर खिलाड़ी लोग कंपनी पे पैसा लगाने के पहले इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले लेंगे कि भाई साहब मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, ठीक है। कंपनी में लोग सिंक्रोनाइज्ड हैं या डिसइंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। ये सारा आपका इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है, इनसाइडर ट्रेनिंग। किसी ने वो एक मूवी आई थी, एक सीरीज आया था बेसिकली हर्षद मेहता के लाइफ पे, स्कैम, वो देखा है क्या किसी ने? ओके, उसमें इन्होंने जो पहला स्टेप था वो यही था। हर्षद मेहता वॉज बेसिकली इनटू इनसाइडर ट्रेनिंग, सारे कंपनीज का इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकालना, ठीक है। आप जाकर कंपनीज में देखते हैं कि भाई साहब स्ट्राइक चल रहा है, अच्छा ऊपर ही ऊपर दिख रहा है कि सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और भाई साहब मार्केट में इनका प्रोडक्ट्स का वैल्यू भी है, लेकिन अंदर ही अंदर भाई साहब स्ट्राइक चल रहा है। यहाँ तो कल को भाई साहब कंपनी गिरेगी, कंपनी अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, वर्कर्स लोग स्ट्राइक पे हैं, तो वर्कर्स अगर प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपके शेयर के भाव नीचे गिरेंगे भाई साहब, ठीक है। इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कंपनी ने उल्ट-सुल्ट लोन उठाए और मतलब हाई रेट्स पे उठाए। तो आपने आज की तारीख में कंपनी पे पैसा तो लगा दिया है, लेकिन कंपनी ने जो इधर उधर से लोन उठाए इन पैसों को चुकता करने जाएगी तो आपको क्या ही दे पाएगी? आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंपनी का भाई साहब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गिर रहा है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी भाई साहब आपका लैक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। दीज आर बेसिकली प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इसीलिए देखो आपका ये मैंडेटरी है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो किसी डेली न्यूज़पेपर में छपे। आप अगर एक बड़ी कंपनी है एंड यू आर अ रजिस्टर्ड कंपनी, आपका पीएनएल अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो भाई साहब प्रकाशित होना चाहिए कंपनी का, ठीक है। इट शुड बी नोन टू एवरीवन। उसमें आप क्या झोल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन वो प्रकाशित होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फाइनेंशियल स्कैम्स, इंडिया हैज बीन अ सब्जेक्ट टू मेनी फाइनेंशियल स्कैम्स एंड दीज स्कैम्स हैव बीन एक्सीडिंग मोर देन 3,000 करोड़, ठीक है, एट टाइम्स, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल राइज इन द नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन इररिपेरेबल लॉस ऑफ द कैपिटल मार्केट। इसको भाई साहब हम कैसे लाएंगे? नीरव मोदी जो पैसे लेकर भाग गया है, या भाई साहब यू नो विजय माल्या जो जितना बड़ा पैसा लेकर भाग गया है, ये सब हम कैसे वापस लाएंगे? दे हैड प्लान्ड देयर एंटायर थिंग और हम इसको देखने में नाकामयाब हो गए। तो जिनको झोल करना रहता है वो देखते हैं कैसे जाएं भाई साहब, टेढ़े मेढ़े रस्तों से भाई साहब वो घुसेंगे, पैसा निकालेंगे और चंपत हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे ऊपर असर आएगा इसका, ठीक है। मोर ओवर इट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन पब्लिक डिस्ट्रस्ट एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंगस्ट द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो इतने सारे झोल हुए हैं और स्कैम्स हुए हैं कि लोगों का भाई साहब विश्वास उठता जा रहा है, ठीक है, स्कैम्स होते ही रहेंगे भाई साहब। ओके, इनसाइडर ट्रेनिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं भाई साहब, इनसाइडर्स को अपने पॉकेट में रखते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट में, भाई तेरा क्या चल रहा है कंपनी में, सब ठीक ठाक है भाई साहब, आपसी मतभेद तो नहीं है, डिसइंटीग्रेशन तो नहीं है, ठीक है, ये सब टिप्स देते रहते हैं उन लोग, और इसी पे भाई साहब आगे चलकर शेयर का प्राइस गिरता है या ऊपरता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे समझो किसी स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं,
आपकी एक वाजिब सी क्वेरी होगी कि भाई साहब ये टीचर्स लोग आपस में मिल मिला के चलते हैं या प्रिंसिपल और टीचर्स में रोज झगड़ा झाटा होता है भाई साहब, तो अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या पढ़ाई होगा भाई साहब, है ना। दिस इज अ कॉमन इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड सीक। तो इसी तरह से भाई साहब इन्वेस्टर्स लोग या जो लोग भारी भरकम इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये इनसाइड ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, प्राइस मैनिपुलेशन होता है। जो लोग बड़े तगड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग मार्केट को गिरा भी सकते हैं और मार्केट को उठा भी सकते हैं, ठीक है, दे आर सो पावरफुल। इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ अ सिक्योरिटी बाय समवन हु हैज एक्सेस टू नॉन पब्लिक और अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट, ठीक है। तो ये पब्लिश नहीं है, ये कोई भाई साहब लिखा में नहीं, लिखित में नहीं दे रहा है कि कंपनी में मैनेजमेंट में भाई साहब आपसी मतभेद है, ये कोई प्रकाशित नहीं करेगा। कंपनी अपना पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रकाशित करेगा लेकिन इसको नहीं, ठीक है, ओके। प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रिगिंग इंप्लाइज रेजिंग द प्राइसेस ऑफ शेयर्स थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विद इन सर्टेन इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स फॉर पर्सनल गेन्स। तो आपने शेयर के प्राइसेस बढ़ा दिया भाई साहब कुछ इंडिविजुअल्स में एंड दिस इज बेसिकली विद इन सर्टेन इंडिविजुअल देमसेल्व्स फॉर पर्सनल गेन्स, पर्सनल गेन्स के लिए, ठीक है। सो प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रिगिंग implies raising the prices of shares. तो आप price of shares को raise कर रहे हैं through buying and selling of shares within certain individual themselves for personal gains. ठीक है? एक मिनट भाई साहब। ओके, इनएडिक्वेट डेट, तो प्राइस मैनिपुलेशन होती है भाई साहब, ठीक है, इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अरे यार so there is inadequate debt instruments, there is hardly any trading in the debt securities such as bonds, debentures, इनमें बहुत कम trading होती है, ठीक है, बहुत कम धंधा इनमें होता है। on account of narrow investor base, high cost of issuance, इसमें issue cost ज़्यादा है और इसीलिए बहुत कम investors इसमें भाई साहब पैसा invest कर रहे हैं। lack of accessibility to small and medium enterprises, तो small और medium enterprises में lack of accessibility है, ठीक है। decline in the volume of trade, regional stock exchanges have witnessed a sharp decline in the volume of trade. So there is a sharp decline in the volume of trade, regional stock exchanges. This is because investors prefer to trade in securities listed on primary stock exchanges like BSE and NSE. ठीक है, तो regional stock exchange पे भाई साहब लोगों का ज्यादा करके भरोसा नहीं रहता है। They will only trade in premier stock exchanges like Bombay Stock Exchange or you know, New York Stock Exchange, ऐसे National Stock Exchange पे लोग invest करेंगे, ठीक है? They will not deal with regional. तो आपका देखिए Calcutta Stock Exchange भी है, ठीक है? अलग-अलग जगहों का भाई साहब अलग-अलग Stock Exchange है, ठीक है? Lack of informational efficiency. A market is called informationally inefficient. Sorry, efficient if stock prices incorporate all available information into the current prices. तो एक कंपनी के बारे में आपको जितना भी information है उसके साथ अगर स्टॉक प्राइसेस चल रहे हैं तो कंपनी के हेल्थ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन अच्छा है, यहाँ पे पार्टनर्स या जो एम्प्लॉयर्स हैं ये सब एक साथ चल रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, ठीक है, और ये भाई साहब तरक्की करेगा और उसके साथ आपका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो दिस इज़ गुड। और अगर सबको मालूम है कि भाई साहब कंपनी गिरने के फिराक में है, कंपनी में इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, रोज आए दिन स्ट्राइक हो रहा है, यही सब रिजॉल्व करते बैठ रहे हैं, तो कंपनी का प्रोडक्शन डाउन होगा, तो शेयर का प्रोडक्ट, अगर ऐसा है तो इट इज गुड, अगर ऐसा है तो इट इज गुड। अ मार्केट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट, इसको हम इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट बोलेंगे, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। इफ स्टॉक प्राइसेस इनकॉर्पोरेट ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू द करंट प्राइसेस, ठीक है, तो स्टॉक प्राइसेस आपके कंपनी के हेल्थ का अगर इंप्रूव हो रहा है, मतलब कंपनी का हेल्थ कब इंप्रूव होगा भाई साहब, जब लोगों में भाई साहब कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, जब कोई आपसी मतभेद नहीं रहेगा, ठीक है, एवरीबॉडी इज ड्रिवन टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज
द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, ऐसा एकदम हेल्थ बहुत सही है कंपनी का, तो स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन है तो ये गिर रहा है। अगर ऐसा है, इन्फॉर्मेशन के साथ प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपका सही है, ठीक है, तब आपका मार्केट, दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड इन्फॉर्मेशनली एफिशिएंट, अदरवाइज मैनिपुलेशन होता है। आप करते क्या है, मार्केट में खबर फैलाते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको गिराना है तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो बोलेंगे, अरे भाई साहब आपसे डिस्प्यूट चल रहा है वहां पे, उधर पैसा मत लगाओ। समझ लो कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, उसके पास 200-300 क्लाइंट्स, समझ लो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास इतना क्लाइंट्स रहते हैं, शेयर्स इन लोग भाई साहब इनके लिए खरीदते हैं, इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही करते हैं, तो अभी भाई साहब इन्होंने बोल दिया अरे भाई साहब उस कंपनी पे पैसा मत लगाओ, 200 लोगों में ये इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि ये कंपनी खराब चल रहा है, इस कंपनी में इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, दिख तो रहा है अच्छा लेकिन कल को ये पैसा नहीं देगा, अभी ये 200 लोगों में ये इन्फॉर्मेशन चला गया, ये एक ट्रेडर ने ये बोल दिया, मामला सही हो या गलत ये नहीं मालूम, हो सकता है ये फालतू में बोल रहा हो, लेकिन ये 200 लोग चुप तो नहीं बैठेंगे ना, ये भाई साहब आगे और दो लोगों को बताएंगे, 400 में फैलेगा, 400 से 800 में, और तड़ातड़ ये न्यूज़ फैलता जाएगा भाई साहब, 1000 लोग अगर इन्वेस्टर्स हैं सब ने भाई साहब अपने शेयर्स पुल आउट कर लिए तो कंपनी ऐसे गिर जाएगी, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। कंपनी में कुछ भी नहीं है, कंपनी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन इस तरह से आप किसी कंपनी को गिरा सकते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके का मैनिपुलेशन वर्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है, किसी कंपनी को आप ऐसे गिरा सकते हैं, समझ में आ रहा है। कोई बड़ा ट्रेडर होगा उसको खरीद लो, कोई बड़ा ट्रेडर होगा भाई साहब उसको खरीद लो, उसको भाई साहब खरीद लो, बोलो कि ये कंपनी को गिराना है मुझे, इतने करोड़ रुपए दूंगा भाई साहब इस कंपनी को गिरा दो, वो क्या करेगा, अपने 200 क्लाइंट्स को बता देगा कि इस पे से अगर पैसा लगाया है निकाल लो क्योंकि इसका हेल्थ खराब है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में लगाना, और शायद कमा के दे भी देगा वो, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज हैं कमा के दे देगा, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कंपनी से कोई लेना देना है उसको, इसका डीलर बोल रहा है तो ये हटा लेगा, लेकिन ये हटाने के टाइम पे जब हटा रहा है तो ये आगे भी 2-4 लोगों के साथ चर्चा करेगा और ये खबर फैलती जाएगी और धीरे धीरे वो कंपनी गिर जाएगी, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, दिस शुड नॉट हैपन बट इट हैपेंस, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। हाउएवर इंडियन स्टॉक मार्केट लैक्स इन्फॉर्मेशनल एफिशिएंसी, तो इन्फॉर्मेशनल एफिशिएंसी नहीं है कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में इन्फॉर्मेशन एफिशिएंसी है, यहाँ पे नहीं है, जिसका फायदा भी उठाया जा रहा है और जिसका नुकसान भी भुगता जा रहा है, ठीक है, ओके। रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज बेसिकली अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, ये भाई साहब लॉन्ग टर्म फंड्स का मार्केट है, इक्विटी का भी और डेट का भी, ठीक है, विच आर रेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, तो आपका कंट्री के अंदर भी और आउटसाइड द कंट्री भी रेज होता ही है, ठीक है, बहुत सारे NRIs आपके पैसा लगाते हैं, ठीक है, सो विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपिटल मार्केट एज फॉलोज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड है ये भाई साहब, सेबी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम दैट इज SBTS, ठीक है, डीमैट अकाउंट, ये आप आराम से खोल सकते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए पहला चीज है जो आपको खोलना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट दैट यू हैव टू ओपन, एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव, ओके। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 बट गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992 में ये एस्टैब्लिश हुई लेकिन उसको बहुत सारे पावर्स नहीं मिले थे, बाय 1992 इट वाज गिवन वेरी हाई पावर्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो इंडस मतलब आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें इसके इंटरेस्ट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ये भाई साहब क्या होता है, कंप्यूटराइज SBTS वॉज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो आपने देखा होगा कि भाई साहब जो लोग डीलिंग करते हैं शेयर से म्यूचुअल फंड से वो स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, पैसा ऊपर का टैक्स लगा दो, ठीक है, तो मतलब वो देखते रहते हैं पूरा क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं, दे आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिस्टम, ठीक है, और भाई साहब किसका ऊपर जा रहा है, अच्छा इसमें लगाना है, इससे पैसा निकालना है, ऐसा होता रहता है, ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज बेसिकली, तो ये आपका स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके। डीमैट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, शेयर मार्केट में एंट्री के लिए सबसे पहला जो अकाउंट, जिस टाइप का अकाउंट आपको चाहिए दैट इज नोन एज अ डीमैट अकाउंट,
इसको हम डीमैट अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो आपको फ्री डीमैट अकाउंट करके देते हैं, ठीक है। वरना आप जैसे समझ लो जिसके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आपका नो, जैसे समझ लो अगर मोतीलाल ओसवाल है या समझ लो कोई और है, तो आपके जितने भी होंगे तो वो लोग भी डीमैट अकाउंट खोल कर देते हैं, ठीक है। हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1996 टू फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय द इन्वेस्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भाई साहब डीमैट अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ है, टू फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। इजीली आप भाई साहब परचेज भी कर सको और शेयर को अपने सेल भी कर सको, आप शेयर्स को फटाफट परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। एक टाइम था जब आपको भाई साहब बाकायदा कंपनी में जाकर शेयर लेना पड़ता था, वो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कराते थे, फिर भाई साहब आप उसको बेचते थे, तो ये एक मैनुअल प्रोसेस था। आज की तारीख में बैठे बिठाए आप शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। ओके, सो डीमैट अकाउंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1996 टू फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय द इन्वेस्टर्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। और क्या है भाई साहब, एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स। इंडियन कंपनीज वेर परमिटेड इंक्रीज एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इसको हम ADRs बोलते हैं, एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जिसको हम GDRs बोलते हैं। वेर परमिटेड इंक्रीज एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स, तो इंडियन कंपनीज को भाई साहब एक्सेस दी गई ग्लोबल फंड्स के लिए थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, IEPF was established in 2001 to promote investors' awareness and to protect the interest of the investors. ठीक है, तो investors में awareness बढ़ाया जाए ताकि भाई साहब उल्ट सुलट पैसा ना लगा दें ये और पैसे का loss ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। Check here, guys. Okay, complete the correlation. Money market is short-term funds as dash to long-term funds. क्या जाएगा भाई साहब? बहुत बढ़िया, कैपिटल मार्केट। कोऑपरेटिव बैंक्स आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इंडिजिनियस बैंकर्स, इंडिजिनियस बैंकर्स मतलब क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इंडिजिनियस बैंकर्स मतलब उल्ट सुल्ट जो लोग पैसा, मतलब साहूकार महाजन टाइप जो लोग हो गए, दीज आर नोन एज इंडिजिनियस बैंकर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, डैश सेंट्रल बैंक, SBI कमर्शियल बैंक, RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके ओके ओके, बैंकर्स बैंक डैश acceptance of deposits function of commercial banks, bankers bank कौन होगा? हाँ, bankers bank भाई साहब क्या हो जाएगा, function of central bank और RBI, इसका आप RBI भी लिख सकते हैं। banker सब बैंकों का बाप कौन है? RBI है ना, RBI। acceptance of deposits जैसे function of commercial banks है, वैसे bankers bank RBI का function है, ठीक है। RBI का फंक्शन बैंकर्स बैंक है और कमर्शियल बैंक जैसे क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम डिपॉजिटर्स, ठीक है। ओके, CRR क्वांटिटेटिव मेथड, क्रेडिट रैशनिंग, ये क्या हो जाएगी भाई साहब आपका क्वालिटेटिव मेथड। CRR इज अ क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्रेडिट रैशनिंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड। डैश करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, हाँ, डीमैट, डिमैट डिपॉजिट इज बेसिकली करेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, RBI इज टू क्रेडिट कंट्रोल एज कमर्शियल बैंक इज टू, RBI क्रेडिट कंट्रोल, कमर्शियल बैंक का क्या है उद्देश्य, क्या है RBI का भाई साहब क्या है, वॉट इज इट RBI फॉर? RBI ये देखना चाहती है कि जो बैंक जो लोन्स दे रहे हैं वो सही समय पर सही इंसान तक पहुंचे, तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। वरना बैंक्स अपने मंदी मर्जी अगर सबको लोन दें तो सिर्फ रिच विल गेट अ रिचर, ठीक है, रिच विल गेट रिचर बट द अदर्स विल नॉट गेट अ चांस, ठीक है। तो RBI क्या कर रहा है, क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है, हर वो क्रेडिट जो बैंक ने दिया है, हर वो लोन जो बैंक ने किसी को दिया है, क्यों दिया है, कब दिया है, कितने टके पे दिया है और क्या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे दिया है, ये सब RBI देखेगा। इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल का प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उल्ट सुल्ट किसी को भी पैसा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, कुछ बैंक्स में ताला पड़ गया है, RBI ने भाई साहब ताला डाल दिया है क्योंकि आपने इररेगुलेशंस किए हुए हैं, आपने भाई साहब उल्ट सुल्ट अपने ओनर्स को ही भाई साहब या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही पैसा घुमाया है, विच इज इलीगल, ठीक है। क्योंकि द रिच आर गोइंग टू गेट रिचर, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक, तो RBI ने ताला डाल दिया है। RBI इज टू क्रेडिट कंट्रोल एज कमर्शियल बैंक इज टू, कमर्शियल बैंक का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, कमर्शियल बैंक आर इन टू प्रॉफिट। ओके, क्रेडिट क्रिएशन बोल सकते हैं हम, ठीक है।
प्राइमरी मार्केट इज टू डैश एज सेकेंडरी मार्केट इज टू ओल्ड. तो प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यूज एज सेकेंडरी मार्केट इज टू ओल्ड इश्यूज. ठीक है. BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ओके. सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. अ मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज अंडरटेकन, उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. इट इज नोन एज अ फाइनेंशियल मार्केट. अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, इसको भाई साहब हम बोलेंगे मनी मार्केट. ठीक है. दिस बैंक commenced its operation on 1st of April 1935 as a private shareholders bank. So RBI, Reserve Bank of India. Aur finally wo bhai sahab central bank ban gaya. Suggest an economic term for the given statement. A bank which is at the apex of the monetary and banking structure of the country. Ye kya ho jayega bhai sahab? Central bank. Hamare case mein ye kya hai? RBI, Reserve Bank of India. RBI was set up on the basis of recommendations of this commission. कौन सा commission था भाई साहब? Hilton Young Commission. Hilton Young Commission had suggested and recommended to set up a central bank which will primarily control the credit that is basically given in the market. ठीक है? Okay. Assertion and reasoning. A is true, but R is false. A is false. R is true. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. सब कुछ अगर ठीक रहा तो ये होगा. ठीक है. A and R are true but R is not the correct explanation of A. ठीक है. समझ में आ रहा है? Assertion and reasoning. आप थोड़े इसके साथ साथ वाकिफ नहीं होंगे लेकिन जो लोग CBSE से पढ़े हुए हैं वो assertion and reasoning को ठीक से समझते हैं. हालांकि आपका सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. CBSE में क्या होता है, assertion और reasoning में A is true and R is true and R is the correct explanation of A, ये होता है ऑप्शन A. ठीक है. दूसरा ऑप्शन होता है भाई साहब आपका A is true and R is true but R is not the correct explanation of A. तीसरा होता है आपका A is true, R is false. और चौथा होता है A is false and R is true. यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है. A is true, R is false. A is false, R is true. ठीक है. A and R both are true and R is the correct explanation of A. A and R are true but R is not the correct explanation of A. ओके. assertion में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है आपको. फाइनेंस इज कैटेगराइज्ड एज पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस. इन तीन हिस्सों में फाइनेंस को बांटा गया है. बी में रीजन में क्या बोला जा रहा है, फाइनेंस इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल्स, तो ये हो गया आपका पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस हाउसेस दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट दैट इज पब्लिक फाइनेंस. ठीक है. इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब इसमें? दोनों भी सही है. ठीक है. देखो आपका पर्सनल फाइनेंस किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल से. कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे रिलेटेड है? बिजनेस हाउसेस से. और पब्लिक फाइनेंस किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से. ठीक है. सो फाइनेंस इज असर्शन ट्रू, यस इट इज ट्रू. इज रीजन ट्रू, यस इट इज ट्रू. इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यस इट इज. तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. क्लियर है? ओके. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक्स. रीजन, आरबीआई हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रूपी एंड एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी. तो आरबीआई को भाई साहब रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करना पड़ता है. आपका रुपी डॉलर के कंपैरिजन कैसा चल रहा है या दूसरे किसी करेंसी के कंपैरिजन कैसा चल रहा है, ये आरबीआई मेंटेन करता है. ठीक है. सो आरबीआई हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी एंड इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक्स. इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आरबीआई ही करता है. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इज प्राइमरी डन बाय आरबीआई और ये कंट्रोल भी आरबीआई करता है. इसी के वजह से तो आरबीआई ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन कर पा रहा है. तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. ठीक है. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और ये तो थैंक यू हो गया रे. जाओ भाई साहब, जीवन में नैयाशी करो. तुम्हारा भाई साहब फिर इकोनॉमिक्स हो गया.